हेलो फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आपका स्वागत है। आज के वेबिनार का विषय है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 9। किस तरह से इसको ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल किया जा सकता है, फॉर्म GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न है वो कौन लोग फाइल करेंगे और किस तरह से इसको फाइल किया जा सकता है, इससे संबंधित जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो किस तरह से हैं, और साथ में मैं ये भी आपको इस प्रोग्राम में कवर करूंगा कि GSTR 9 को मैं लाइव डेमो आपको दूंगा कि पोर्टल पे फाइल करने का। इसके साथ मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। ये वेबिनार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें हमारा सहयोग जो किया है NEGD यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इंडिया डिजिटल इंडिया के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, आज का जो वेबिनार है उसका कंटेंट जो हम आज कवर करेंगे कि कौन लोग ऐसे हैं, किस तरह के टैक्स पेयर्स जो एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 9 फाइल करेंगे। फॉर्म GSTR 9 फाइल करने से पहले आखिर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बिना, जिसको पूरा किए बिना फॉर्म GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता, हम उन पर भी चर्चा करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि नील एनुअल रिटर्न कब और किन परिस्थितियों में फाइल किया जा सकता है। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर्म GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करना, मगर उसके पहले ये उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप फॉर्म GSTR 9 को फाइल करने से पहले जो भी तैयारी, जो भी स्टेप्स आपको लेने हैं, जो भी कार्रवाई आपको करनी है, मैं उस पर चर्चा करूंगा, जिसको कि आपको फॉर्म GSTR 9 फाइल करने से पहले अवश्य रूप से करना चाहिए, क्यों तभी आप फॉर्म GSTR 9 सही करेक्ट फाइल कर पाएंगे। और ये क्योंकि फॉर्म GSTR 9 अगर एक बार फाइल हो गया तो फिर उसमें रिवीजन की गुंजाइश, किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं है। पोर्टल पर कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं टैक्सपेयर्स को फॉर्म GSTR 9 फाइल करने से पहले, उसको तैयार करने के लिए, उसके संबंधित एक्शन लेने के लिए। उसमें जो GSTR 9 और GSTR 3P और GSTR 1 की जो सिस्टम कंप्यूटेड समरी का प्रावधान किया गया, जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म GSTR 9 तैयार करने के लिए, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। और साथ में हम ये देखेंगे कि फॉर्म GSTR 9 का स्ट्रक्चर किस तरह से है, कौन से इसमें डेटा टैब्स हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन इसमें भरी जानी है, मैं लाइव डेमो के द्वारा इसको मैं आपको प्रदर्शित करूंगा। जो इसमें प्रदर्शन के दौरान जो मुख्य फाइलिंग स्टेप्स हैं फॉर्म GSTR 9 फाइल करने के, वो आपको बताऊंगा। और साथ में यह, अगर कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी अगर आप रिपोर्ट करते हैं, अगर आप कोई रिपोर्ट करते हैं एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी फॉर्म GSTR 9 में, तो फिर उसको पे किस प्रकार से किया जाना है, उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाना है, वो मैं इस वेबिनार में कवर करूंगा। और साथ में मैं आप सुधी दर्शकों के कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स मैं करूंगा इसके वेबिनार के अंत में। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो फॉर्म GSTR 9 से पहले हम ये जान लें कि आखिर एनुअल रिटर्न्स जो GST में प्रावधान किया गया है मुख्यतः किस प्रकार के हैं। तो टोटल चार टाइप के एनुअल रिटर्न्स का प्रावधान किया गया है। पहला है फॉर्म GSTR 9, जो कि ऐसे जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, जो कि नॉर्मल टैक्स पे करते हैं और जो फाइल कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर्म GSTR 1 के रूप में, और जो GSTR 3B रिटर्न्स फाइल करते हैं वो उनको, जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उनको, उनके द्वारा अपेक्षित है कि वो एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग, जो टैक्स पेयर्स कंपोजिशन टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, वो GSTR 9A के रूप में एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे। एक और प्रकार का एनुअल रिटर्न है GSTR 9B जिसको बोलते हैं, इसमें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को फाइल करते हैं जो कि GSTR 8 उस कैलेंडर ईयर में फाइल कर रहे हैं, मगर क्योंकि ये इससे TCS से संबंधित प्रावधान जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर लागू होते हैं वो अक्टूबर 2018 से ही लागू हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में वो एप्लीकेबल नहीं था प्रोविजंस, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए GSTR 9B फाइल नहीं किया जाना है। GSTR 9C एस एनुअल रिटर्न वह टैक्स पेयर फाइल करते हैं जिनका जो, मगर ये GSTR 9 फाइल करने के बाद होगा, और GSTR 9C वो टैक्स पेयर फाइल करते हैं
जिसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से एक्सीड करता है। ऐसे सभी टैक्स पेयर्स को अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना आवश्यक है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और ऐसे जो उसकी कॉपी जो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ, यानी कि जो जो भी उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ डेटा है उसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ और टैक्स पेबल की गणना के साथ वो फाइल किया जाएगा फॉर्म GSTR 9C में। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे वेबिनार का विषय है GSTR 9, तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि GSTR 9 आखिर किसने फाइल करना है। तो GSTR 9 फाइल करना है, जैसा कि मैंने बताया कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जो कि रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें SEZ और SEZ डेवलपर्स भी आते हैं, ये लोग फॉर्म GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे। और साथ में इसमें बेसिक तौर पे मित्रों मैं ये आपको बता दूं कि इस एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 9 में जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए फाइल होना है, इससे क्योंकि GST के प्रावधान जुलाई 2017 से लागू हुए थे, तो इस एनुअल रिटर्न में जो भी आप डेटा देंगे, जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन देंगे, वो उसका पीरियड स्टार्ट होगा जुलाई 2017 से। जुलाई 2017 से 2018 का आपको इस पे डेटा रिपोर्ट करना है, क्योंकि अभी जो एनुअल रिटर्न फाइल हो रहा है GSTR 9 वो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए हो रहा है, जिसमें आपको जुलाई से मार्च तक का डेटा जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक का डेटा आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, इसमें अप्रैल 2017 से लेकर जून 2017 तक का आपको कोई भी डेटा एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करना है। हाँ, ये चीज आपको, मगर ये जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई से रिपोर्ट करना है, मगर अगर आपने रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2017 के बाद लिया है, तो ऐसे केस में जो भी आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वहां से शुरुआत करके आप 31 मार्च 2018 तक का डेटा आप एनुअल रिटर्न में देंगे। जो जैसे कि मैंने बताया इसके बारे में कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो जिसमें कि शामिल हैं SEZ और SEZ डेवलपर्स भी, ऐसे सभी लोग 2017-18 के लिए GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, और कंपोजिशन टैक्स पेयर्स GSTR 9A फाइल करेंगे। और एक बार इसको स्पष्ट करने के लिए बता दूं कि जो पर्सन्स रजिस्टर्ड हैं कैजुअल टैक्स पेयर कैटेगरी में या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर की कैटेगरी में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर टैक्स डिडक्टर्स और या टैक्स कलेक्टर्स एट सोर्स के रूप में जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको फॉर्म GSTR 9A 9 फाइल नहीं करना है। और ये मित्रों ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप रजिस्टर्ड थे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में, GST रजिस्ट्रेशन था आपके पास, तो फिर आपको चाहे आपका टर्नओवर नील ही क्यों ना हो, कुछ ही क्यों ना हो, आपको फॉर्म GSTR 9 फाइल करना आवश्यक है। यहाँ एक इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसे जो कि अभी पिछला प्रीवियस वेबिनार्स हम लोगों ने किए थे उसमें यह उठ के आया कि कुछ टैक्स पेयर्स जो हमारे 2017-18 में जुलाई 2017 के बाद कुछ पीरियड में वो कंपोजिशन टैक्स पेयर थे, और उसके बाद वो कन्वर्ट करके नॉर्मल टैक्स पेयर टैक्स देना उन्होंने शुरू कर दिया, नॉर्मल टैक्स पेयर हो गए, तो उसी फाइनेंशियल के दौरान तो क्या वो 9 फाइल करेंगे या कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल फॉर्म GSTR 9A फाइल करेंगे। तो ऐसी सभी दशाओं में अगर मैं इस ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस दशा में कि अगर आप 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुछ समय आप कंपोजिशन में रहे और कुछ समय आपने नॉर्मल टैक्स पेयर्स के रूप में काम किया, उस दशा में उस रिस्पेक्टिव पीरियड के लिए, उस अवधि के लिए जिसमें आप कंपोजिशन थे उस पीरियड के लिए आप GSTR 9A फाइल करेंगे, और जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में आप रेगुलर टैक्स पेयर थे उसमें आप GSTR 9 फाइल करेंगे। यहाँ एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि अगर कोई टैक्स पेयर 2017-18 में रजिस्टर्ड था और उसका कैंसिल रजिस्ट्रेशन
और जो कि सेम फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 31 मार्च 2018 या उसके पहले ये कैंसिल किया जा चुका है, तो क्या ऐसे टैक्स पेयर्स को GSTR 9 फाइल करना है? जी हाँ, ऐसे टैक्स पेयर्स को GSTR 9 फाइल करना है, चाहे आपका आपका जो एज नॉर्मल टैक्स पेयर एक दिन भी अगर आपका जीएसटी इनएक्टिव था तो आपको फॉर्म GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करना है। ऐसे इस तरह की भी प्रश्न लोगों के इस तरह के प्राप्त हुए हैं कि अगर मैंने ऑप्ट किया है कंपोजिशन स्कीम के लिए फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या मैं GSTR 9 फाइल करूंगा? तो देखिए, अगर आप इस कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने से पहले 2017-18 में किसी समय पर आप नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड थे, तो फिर आपको फॉर्म GSTR 9 फाइल करना है उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में आप नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड थे। मगर एक चीज इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हालांकि फॉर्म GSTR 9 एनुअल रिटर्न GST पोर्टल पर उपलब्ध है, मगर उसके बावजूद एनुअल रिटर्न आपका फॉर्म तभी खुलेगा GST पोर्टल पर अगर आपने उससे संबंधित जो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यानी कि GSTR 1 और रिटर्न GSTR 3 भी उस रिलेवेंट पीरियड का जिसमें कि भी आप रजिस्ट्रेशन लेकर और मार्च 2018 तक का आपके द्वारा अपेक्षित है कि आप फॉर्म GSTR 1 और फॉर्म GSTR 3B रिटर्न आपने रिलेवेंट फाइनेंशियल का फाइल कर चुके हों पहले ही, तभी आपके सामने ये एनुअल रिटर्न आप ये फाइल इसको भर पाएंगे और इसको फाइल कर पाएंगे। अब यहां पर एक सवाल उठता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म GSTR 9 बाध्य आप बाध्य है अगर नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में, अगर आपने 2017-18 में आप नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में आप थे, मगर और वो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, यानी कि अगर आपका कोई टर्नओवर नहीं है तब भी आपको वो फाइल करना है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसी दशा में किस कब नील का रिटर्न नील GSTR 9 शून्य कब फाइल किया जा सकता है? इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस ये है और ये सभी कंडीशंस एक साथ पढ़ी जाएंगी, यानी कि इन सभी कंडीशंस का एक साथ अनुपालन होना आवश्यक है। तो अब ये शुरू करते हैं कि अगर 2017-18 में अगर आपने किसी भी प्रकार की आउटपुट सप्लाई नहीं की है, तो फिर आप और साथ में अगर आपने कोई भी इनवर्ड सप्लाई किसी भी गुड्स या सर्विसेज की आपने रिसीव नहीं की है, और उसके अतिरिक्त अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं है जीएसटी से रिलेटेड या फिर लेट फी से रिलेटेड, कोई भी लायबिलिटी आपने रिपोर्ट नहीं की है अपने रिटर्न्स में, और इसके साथ ही आपने किसी भी प्रकार का कोई ITC क्रेडिट क्लेम नहीं किया है, और साथ में अगर इसके साथ ही आपके द्वारा कोई भी प्रकार का रिफंड आपने क्लेम नहीं किया होना चाहिए इस पीरियड में, और इसके साथ आपके साथ कोई भी आपके ऊपर कोई भी जीएसटी की डिमांड रेज कोई डिमांड ऑर्डर नहीं इशू हुआ हो, और साथ में कोई भी आपने सभी रिटर्न्स वेल इन टाइम और स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाई GSTR 1 वो भी विद इन ड्यू डेट आपने इस पीरियड की फाइल की हो जिससे कि कोई ड्यू लेट फी ना हो, तभी इन सभी दशाओं के पूरा होने पर ही आप फॉर्म GST9 एनुअल रिटर्न शून्य के रूप में यानी कि नील फॉर्म GSTR 9 आप फाइल कर पाएंगे। और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि उसमें गलती से भी आपने किसी भी प्रकार का डेटा अगर फॉर्म GSTR 1 या GSTR 3B में अगर आपने फाइल कर दिया है, तो फिर आपको ये नील फॉर्म GSTR 9 भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो ये फॉर्म GSTR 9 GST पोर्टल पर आप लॉग इन करके आपको उपलब्ध है। सर्विसेज मेन्यू आपको क्लिक करना है, रिटर्न्स में जो एनुअल रिटर्न का आपको मेन्यू उपलब्ध होगा, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर्म GSTR 9 2017-18 फाइनेंशियल के फाइल करने से पहले 2017-18 के जो भी एप्लीकेबल रिटर्न्स हैं और जो स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई है GSTR 1 वो आपके पोर्टल पर फाइल होने चाहिए, तभी आप फॉर्म GSTR 9 आपके लिए रिटर्न डैशबोर्ड पे आप इसको खोल पाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि
2017-18 के लिए जो एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल होना है, ये आप 30 जून 2019 यानी कि 30th ऑफ जून 2019 तक आप इसको फाइल कर सकते हैं। और अगर आप 30 जून 2019 तक आप इसको फाइल नहीं करते हैं तो फिर आप उस डे जितने पीरियड आप इसको लेट करते हैं तो लेट फी इसकी लगेगी। और लेट फी का जो प्रावधान किया गया है जीएसटी एक्ट में वो है ₹100 प्रतिदिन फॉर द पीरियड ऑफ डिले, उस पीरियड के लिए जो कि डिले था ₹100 सीजीएसटी एक्ट में, और इसी प्रकार से ₹100 स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक्ट के अंतर्गत ₹100 प्रतिदिन यानी कि ₹200 प्रतिदिन तक की पर दिन की आपको लेट फी आप पेएबल होंगे अगर आप लेट करते हैं इसको 30 जून से ज्यादा फाइल करने में। और साथ में जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो है दोनों एक्ट के हिसाब से 0.25% ऑफ योर टर्नओवर इन दैट स्टेट। तो फिर बिल्कुल ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये लेट फी फिर आपको अगर आप उसके बाद करते हैं तो फिर आपको पे करनी पड़ेगी। मगर इसके साथ ही मैं ये आपको बता दूं कि जो फॉर्म जीएसटीआर 9 है, कई बार ये लोगों को लगता है कि अगर एक पैन पर एक ही स्टेट में या फिर उस एक से ज्यादा स्टेट में एक ही पैन पर अगर रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं यानी कि जीएसटीएन एक से ज्यादा है तो उस दशा में क्या जीएसटीआर 9 एक साथ फाइल करना है पैन बेस्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से फाइल करना है। तो यहां पर मैं बता दूं कि ऐसे सभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से सभी के हिसाब से आपको अलग एक सेपरेट एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना है जीएसटीआर 9। यहां मैंने आपको टाइमलाइंस बताई मगर एक बात मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपने जीएसटीआर 9 आपने फाइल कर दिया तो फिर आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिल्कुल यह जरूरी है कि फाइल करने से पहले आप ये जान लें, ये एंश्योर कर लें, इस बात पे निश्चिंत हो जाएं कि इसमें जो आप डेटा और इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो पूरी तरह से करेक्ट है। क्योंकि अगर गलत इंफॉर्मेशन देने की दशा में, रिपोर्ट देने करने की दशा में अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल कर देते हैं गलत डेटा के साथ तो फिर आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए पोर्टल पर कुछ बहुत ही बढ़िया सुविधाएं आपको दी गई हैं। मगर इसके पहले हम जनरल चलेंगे कि भाई फॉर्म जीएसटीआर 9 फाइल करें मगर उसके पहले हमें करना क्या है, हम क्या करें कि हमारा फॉर्म जीएसटीआर 9 बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ हम इसको भर पाए और फाइल कर पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी कि देखिए ये फॉर्म जीएसटीआर 9 में हालांकि ये टोटल जो इसका इसमें जो डेटा ऑटो पॉपुलेट कुछ फील्ड्स में होता है वो आपके द्वारा जो भी आपने डेटा आपने रिपोर्ट किया है आपके द्वारा फाइल फॉर्म जीएसटीआर 1 में और 3B में तो उससे कुछ डेटा इसमें ऑटो पॉपुलेट होता है। मगर इसका यह मतलब नहीं कि आप अगर इसके अलावा आपका कोई डेटा है जो रिपोर्ट होने से रह गया था और आप उसको बाद में अमेंड नहीं कर पाए तो आप उसको रिकंसाइल करिए। पहले अपना डेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है 2017-18 के अगर ऑडिट हो चुका है तब भी आप इसको रिकंसाइल करिए, आप चेक करिए कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से डेटा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका क्या पोजीशन दे रहे हैं और आपने जो गणना कर रखी है जीएसटीआर 1 में जो फाइल करते हुए और 3B में उसमें कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। मिसमैच होने की दशा में आपको नेसेसरी एक्शन लेना है जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले। आप ये देखिए कि जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले जो भी जीएसटीआर 1 और 3B आपने उस रिलेवेंट फाइनेंशियल के फाइल किए हैं उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई थी, कोई चीज छूट तो नहीं गई थी, क्या वो जो आपने फिगर रिपोर्ट किया है वो सही था, तो क्या 2017-18 में आपने वो सभी, एक पहली बात तो ये कि आपने सब इंफॉर्मेशन दे दी थी आपने रिटर्न में या नहीं, अगर नहीं दी थी तो फिर आप उसको अभी जो मार्च 2019 यानी कि मार्च 2019 का जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे उसकी ड्यू डेट तक अगर आप उसको फाइल करते हैं तो फिर आप उसको अभी भी आपके पास एक मौका है कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं।
दूसरी बात ये, आप साथ में ये भी देखिए कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आपने GSTR 1 में जो आपने लायबिलिटी आपकी निकल रही है GSTR 1 के हिसाब से, और जो GSTR 3B में यानी कि रिटर्न में आपने जो टैक्स पे पे करना दिखाया है उसमें कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। यहाँ जब भी मैं आपसे बात करता हूँ रिटर्न्स की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं कह रहा हूँ वो उसी से पर्टेन करती है। तो आपको टैक्स लाइबिलिटी अपने रिकनसाइल करनी है जो कि GSTR 1 और GSTR 3B में आपने फाइल किया है, और साथ में जो आपने ITC अवेल किया है जिसको कि आपने GSTR 3B में रिपोर्ट किया है, और उसमें आप ये देखिए, और जो उसमें से खास तौर से आप ये भी देखिए कि जो ड्राफ्ट इनवर्ट सप्लाई का स्टेटमेंट है GSTR 2A, उससे आप उसको आप ऑटो पॉपुलेट कर लीजिए। उसमें देखिए आपकी कोई उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई मिसिंग एंट्री तो नहीं है इनवर्ट सप्लाई की जो आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से ली है। अगर कोई ऐसी सप्लायर से आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिसका इनवॉइस आपके पास है, सप्लाई आप ले चुके हैं मगर वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो अभी आपके पास बहुत थोड़ा सा समय बाकी है कि आप उस GSTR आप सप्लायर से कहिए, उसके नॉलेज में लेके आइए कि आपने ये सप्लाई हमें की थी, आप इसको तुरंत, आपने अभी तक GSTR 1 में डिक्लेयर नहीं किया है, आप इसको तुरंत GSTR 1 में मार्च महीने के GSTR 1 के जो फाइल करेंगे तब तक आप ड्यू डेट, वो भी ड्यू डेट जो उसकी है GSTR 1 की 11 अप्रैल 2019 है, और आप इसमें आप इसको कर दीजिए। और साथ में आपको यह भी देखना है कि आपने जो GSTR 3B में जो टैक्स पे किया था उसमें कोई किसी प्रकार का कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर आपको ITC से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई आपका मिसिंग एंट्री है, कोई एडजस्टमेंट है, तो वो भी ITC रिवर्सल और ITC अवेलमेंट, ITC क्लेम जो आपका कोई मिसिंग एंट्री थी या इनएडमिसिबल, वो सब आप मार्च 2019 का जो आप GSTR 3B फाइल करेंगे जिसकी की ड्यू डेट है 20 अप्रैल, बस आप तभी तक अगर उसको ठीक कर सकते हैं तो उतना ही समय आपके पास है। तो मित्रों ये बहुत जरूरी है कि GSTR 9 फाइल करने से पहले हम इतनी ये जरूरी जो कार्रवाई हमें करनी है ताकि हमारा जो डेटा है वो उसमें कोई मिसमैच ना रहे, किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना रहे, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है आज की तारीख में तो हम उसको मार्च की रिटर्न की ड्यू डेट से पहले ठीक करके वो संबंधित रिटर्न और GSTR 1 हम फाइल कर दें, तभी हम इसमें इसमें रिफ्लेक्ट होगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो भी डेटा आपको ऑटो ड्राफ्टेड GSTR 2A में दिखाई देता है वो अभी टाइम टू टाइम, वो रियल टाइम जो है अपडेट नहीं होता बल्कि बैच प्रोसेसेस में अपडेट होता है। लास्ट बैच प्रोसेस उसका 31 मार्च 2019 था, यानी कि 2019 तक जो भी सप्लायर्स ने आपके केस में जो आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आपने इनवर्ट सप्लाईज ली हैं अगर उन्होंने GSTR 1 फाइल किया है 31 मार्च तक, तो फिर वो सब आपको GSTR 2 में ऑटो ड्राफ्टेड में ऑटो पॉपुलेट Table 3 और 5 में हो जाएगा। और साथ में ही अगर ये अगला बैच जल्दी ही शुरू होने वाला है, अगर आपकी कोई मिसिंग एंट्री है तो आप अपने कंसर्न सप्लायर को तुरंत इस बारे में कह दें, नेसेसरी एक्शन लें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। अच्छा, एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण बहुत अच्छी फैसिलिटी पोर्टल में अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, वो अवेलेबल है टैक्स पेयर्स के लिए जो पोर्टल पे अवेलेबल है, कि आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि आप आपकी जो लायबिलिटी आपने डिक्लेयर की थी रिटर्न में वो आप जब GSTR 1 के हिसाब से आपकी लायबिलिटी आ रही थी और जितना भी आपने GSTR 3B में अपनी लायबिलिटी रिपोर्ट की है जिसपे आपने टैक्स दिया है उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप अगर ITC आपने जो अवेलेबल है आपको GSTR 2A में जो ऑटो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट आउटवर्ड इनवर्ट सप्लाईज है उसमें उसको आप देख सकते हैं, उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ तुलना कर सकते हैं जो कि आपने GSTR 3B में आपने क्लेम किया है संबंधित फाइनेंशियल ईयर में जो आपने फाइल किए GSTR 3B। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आप ये देख पाएंगे कि GSTR 1 में आपने आउटवर्ड लाइबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से कितनी लाइबिलिटी आपकी आ रही थी, और
आपने 3B में किस लायबिलिटी पे आपने टैक्स दिया है। तो जो भी अगर कोई GSTR 1 और 3B में अगर फाइनेंशियल ईयर में, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मार्च 2018 तक का आपको ये स्टेटमेंट कंपेयर करना है, जिसकी फैसिलिटी पोर्टल पे अवेलेबल है। उसमें आप मिसमैचेस और अपना रिकंसिलेशन का डेटा आप कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी बैक डेट से छूट गई थी रिपोर्ट होने से, या कम रिपोर्ट हुई थी, तो फिर आप ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो GSTR 2A है, GSTR 2A में जो ऑटो ड्राफ्टेड है, उसमें भी आप जो है, आपने जो जो ITC आपको ऑटो पॉपुलेट Table 3 और 5 में हुई है, उसको आप तुलना कर सकते हैं जो आपने ITC क्लेम किया है, ताकि जरूरत पड़ने पे आप उस पर एक्शन ले लें। तो इससे संबंधित जो फैसिलिटी है मित्रों, ये आपके GST पोर्टल में लॉग इन जब आप करते हैं तो रिटर्न डैशबोर्ड पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये डिटेल्स ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड सप्लाईज जो GSTR 2A का, GSTR 2A में आप देख सकते हैं व्यू और डाउनलोड फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है। आप ऑटो ड्राफ्टेड सप्लाई आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में इसी के नीचे आप देखेंगे कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड ITC क्लेम। ये बहुत ही अभी नई फंक्शनलिटी, बहुत अच्छी सुविधा आपको पोर्टल प्रदान की गई है। इसके माध्यम से आप GSTR 1 में जो आपने लायबिलिटी रिपोर्ट की है और जिसका आपने भुगतान GSTR 3B में आपने किया है, आप इसको स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं उस फाइनेंशियल ईयर का, और आप देख सकते हैं वो मिसमैच के कारण आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से ITC में जो कंपैरिजन है GSTR 2A तथा जो आपने ITC क्लेम किया है GSTR 3B रिटर्न में, वो आप उसमें इसको आप गणना देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही, ये आप ये है उसपे जब हम क्लिक करते हैं क्रेडिट और लायबिलिटी स्टेटमेंट के ऊपर, तो ये उसके बाद आपको ये मेन्यू खुल जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रेडिट और लायबिलिटी स्टेटमेंट में या इस टैक्स पेयर, ये जुलाई 2017 से और मार्च 2018 तक इसको ये बताया गया है कि क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी GSTR 1 के हिसाब से कितनी थी, मंथ वाइज इसमें ये डिटेल है, और GSTR 3B के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी थी। तो इस सुविधा का आप जरूर फायदा उठाइए, ये बहुत ही बढ़िया सुविधा आपको प्रदान की गई है, अपने जो अकाउंट्स को रिकंसाइल करने में आपकी मदद करेगी, आपका टाइम भी बचाएगी। और साथ में ITC, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ITC भी आप जो आपने क्लेम किया है 3B में और जो एक्रू हुई आपको GSTR 2A में, उसका भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप व्यू और डाउनलोड आप कर सकते हैं। डाउनलोड का बटन नीचे है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लायबिलिटी आपने डिक्लेयर की है GSTR 3B में और जितना आपने नरेशन उसमें रिपोर्ट किया है GSTR 1 में, उसमें अगर आप इसमें भी चार कैटेगरी में आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एक है लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज, दूसरी है लायबिलिटी जो रिवर्स चार्ज में है, वो भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट और SEZ का आप लायबिलिटी का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और ITC क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू, ये भी आपका इसमें स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो ये आपको मदद करेगी डेटा को रिकनसाइल करने में। ये चार मेन्यू आपके सामने उपलब्ध है अब हम, और ये GS आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर अवेलेबल है क्रेडिट और लायबिलिटी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम ये देखें कि कौन सी ऐसी टेबल्स हैं जिसमें कि आपको डेटा एंटर करना है और किस प्रकार से एंटर करना है। यहाँ पर मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको GST पोर्टल से मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊं, और मगर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टेबल्स ऐसी हैं फॉर्म GSTR 9 में जो कि ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जो आपको पहले से उपलब्ध होगी वहां पर, जो आपने फॉर्म GSTR 1 और 3B से वो फिगर ऑटो पॉपुलेट होती है, और एज ये फिगर जो है Table 4 में तथा Table 5 में आपको मिलेगी कुछ सेक्शंस में, और Table 6A जो है, जो फॉर्म GSTR 3B आपने टोटल फाइल किए थे उसके Table 4A में जो आपने क्रेडिट अवेल किया है, वो टोटल गणना आपको ऑटो पॉपुलेट होके फिगर इसमें मिलेगी। साथ में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव किया आपने ISD से, जो कि ये आपको इसमें इसमें रिपोर्ट भी करना होगा।
तो और इसके अलावा अगर ट्रांजिशन क्रेडिट है कोई रिविजन्स के साथ ट्रान वन या ट्रान टू में, तो वह भी उसमें ऑटो पॉपुलेट होगी। मगर ऑटो पॉपुलेट के साथ ही आपको ये सुविधा प्रदान की गई है कि आप इसको अपने रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से, एक्चुअल डेटा के हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें जो जीएसटीआर 2 से जो टेबल 8A है, 8A, तो वो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होगा और इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो भी डेटा जिस भी फील्ड में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, उन सभी में आपको सुविधा प्रदान की गई है कि आप अपने जो जो भी आपका एक्चुअल जो डेटा है, जो रिकनसाइल्ड फिगर है, उसके हिसाब से आप उसको एडिट कर सकते हैं जो फॉर्म जीएसटीआर। मगर ये ऑटो पॉपुलेशन जो डेटा है वो आपके रेफरेंस और चेकिंग के लिए है कि वो सही है या नहीं है। आप अगर उससे संतुष्ट हैं तो आप ऑटो पॉपुलेट रेट फिगर जिसमें भी आपकी आ गई है, अगर आप उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस से संतुष्ट हैं तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए है। तीन तरह की फील्ड है जिसमें कि आप डेटा जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो आप उसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। एक है टेबल नंबर 6A, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट क्रेडिट अवेल थ्रू फॉर्म GSTR 3B, जितना भी आपने ITC अवेल किया है, जो आपने शो किया है टेबल 4A में फॉर्म GSTR 3B के, वो आप जो है इसके थ्रू आप टेबल 6A में जो ऑटो पॉपुलेट होगी वो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, वो फ्रीज होगी फिगर। इसी प्रकार से टेबल 8A में जो कि GSTR 2A के हिसाब से टेबल 3 और 5 में जो आपका डेटा है वो आप उसमें ऑटो पॉपुलेट होगा, जो कि एडिटेबल नहीं होगा। और साथ में टेबल 9 जो है GSTR 9 की, उसमें जो भी आपने टैक्स पे किया है और उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कितना आपने कैश के थ्रू किया और कितना ITC के थ्रू किया, वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा। वो फ्रीज होगा, उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। मगर आपको सुविधा दी गई है कि अगर टैक्स पेबल अमाउंट आपका आपके रिकंस्ट्रक्शन के बाद डिफरेंट आता है तो आप उसको वो अमाउंट उसमें एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइव 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 डेमो के लिए इसको लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैं जो इसमें यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, जो कि ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपने देखा कि लॉगिन करने के बाद मेरे सामने मेरा रिटर्न डैशबोर्ड यहाँ पर खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनुअल रिटर्न यहाँ पर अवेलेबल है मेन्यू, और साथ में अगर आप देखेंगे तो सर्विसेज मेन्यू आप खोलते हैं, आप रिटर्न पे क्लिक करते हैं, रिटर्न के बाद आप देखते हैं कि एनुअल रिटर्न ये आपके सामने खुल जाता है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर चाहे आप क्लिक करके आप एनुअल रिटर्न आप क्लिक कर सकते हैं एनुअल रिटर्न खोलने के लिए। मैं फिर से आता हूं इस पर। यहां पर आप देखिए कि ये मेन्यू आपके सामने आ गया है, फाइनेंशियल रिस्क में आपको सेलेक्ट करने की सुविधा दी गई है। यहां पर आप इसको ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे कि इसमें 2018-19 और 2017-18 दोनों आपके चॉइस अवेलेबल है। मगर यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2018-19 के लिए एनुअल रिटर्न अभी फाइल नहीं हो सकता, अभी उसकी डेट नहीं है, अभी वो अपेक्षित फाइल करना अपेक्षित नहीं है। आपको सेलेक्ट सिर्फ 2017-18 ही इसमें करना है। आप सेलेक्ट करके इसको सर्च का क्लिक करते हैं।
अब आप ये देखिए कि आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल गया है और यहाँ पर ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस हैं, हेल्प इंस्ट्रक्शंस हैं कि नील जीएसटीआर 9 रिटर्न कब फाइल किया जा सकता है। ये सारी कंडीशंस, इसमें 6 तरह की कंडीशंस दी हुई हैं, ये सभी एक साथ अगर ये पूरी होती हैं तभी आप नील जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कि एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दूं, करवा दूं कि अगर आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं की है, इसके साथ ही अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई भी नहीं रिसीव की है किसी गुड्स और सर्विसेज की, इसके साथ ही अगर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है किसी प्रकार की और आपने कोई भी प्रकार का आईटीसी क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया है और आपने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार का डिमांड का कोई भी ऑर्डर आपको नहीं दिया गया है और आपने इसी के साथ आपने किसी भी प्रकार का कोई भी रिफंड आपने क्लेम अगर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में नहीं किया है तब आप जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। और जीएसटीआर 9 अभी मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन टूल अब जल्दी ही उपलब्ध होगा, मगर फिलहाल इसको ऑनलाइन इसको फाइल किया जा सकता है। और जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं वही जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे जैसा कि मैंने बताया, और सभी एप्लीकेबल स्टेटमेंट्स इन फॉर्म जीएसटीआर 9 और रिटर्न जीएसटीआर 3B के रूप में आपका ये फाइल हो चुका हो इसके पहले कि आप जीएसटीआर 9 तभी आप इसको भर पाएंगे। और एनुअल रिटर्न, देखिए एनुअल रिटर्न जैसे कि मैंने बताया कि यह एक बार फाइल हो गया है तो रिवाइज नहीं किया जा सकता, और साथ में जो कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी है फॉर्म जीएसटीआर 2A में जो आप वो बैच प्रोसेस में होती है, रियल टाइम में इसका ऑटो पॉपुलेट नहीं होती, तो फिर ये पिछली बार जो 31 मार्च को ये इसका ऑटो अपडेशन हुआ है 2A का, अगर इसमें अगर आपकी कोई मिसिंग एंट्री आप 2A अगर डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कोई मिसिंग एंट्री है तो फिर आप तब तक अपने ये एसर्टेन कर लीजिए कि आपका सप्लायर ने वो रिटर्न में उसको मार्च के महीने में उसको दिखा दे, और ये अगला बैच होने पर आप कोई भी मिसिंग एंट्री आप उसको देख पाएंगे और वो अपने आप अपडेट हो जाएगी रिलेवेंट टैब में। तो यहाँ पर आप देखिए ये एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 का है जिसकी ड्यू डेट 30 जून 2019 है जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन आपके सामने है क्योंकि ऑफलाइन यूटिलिटी अभी जल्दी ही उपलब्ध कराई जाएगी, आज की तिथि में उपलब्ध नहीं है तो फिर ये अभी आप ऑनलाइन ये फंक्शन दिखा रहा है। तो साथ में आपको प्रिपेयर ऑनलाइन आप क्लिक करते हैं, क्वेश्चनायर का आप जवाब देते हैं एनुअल रिटर्न और उसके उसमें, और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने प्रिपेयर ऑनलाइन में इसमें क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर एक जो शुरू के टैब्स हैं जिसमें कि मेरा जीएसटीआई नंबर और लीगल नेम मेरा और ट्रेड नेम ये सब ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है फाइनेंशियल, क्योंकि मैंने 2017-18 सेलेक्ट किया था जिसका कि अभी अपेक्षित है एनुअल रिटर्न फाइल करना, तो वो ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है। अभी मेरा स्टेटस नॉट फाइल्ड इसमें शो कर रहा है जो कि ड्यू डेट 30 जून तक मुझे फाइल करना है। अब यहाँ पर एक जो फाइल नील फाइल करने से संबंधित 6 क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस जब आप नील जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं उसी से मिलते जुलते ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और आप इन्हीं सभी 6 कंडीशन को एक साथ आप फुलफिल करते हैं तभी आपका नील ये फाइल होगा, मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जीएसटीआर 1 और 3B में अगर नील के अलावा कोई भी फिगर आपने डाली है या फिर लेट फी पे की है तो आप नील रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मेरी दशा में डेटा था जो मैंने रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल किया उसमें डेटा था, तो मेरे पास ये ऑटो सेट है 9 के ऊपर और साथ में नोट में भी ये रिमार्क आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल जीएसटीआर 9 रिटर्न्स सिंस यू हैव फाइल्ड रिटर्न स्टेटमेंट अदर देन नील फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो अब आगे चलते हैं, अब ये नेक्स्ट का मैं बटन क्लिक करता हूं और नेक्स्ट में आप देखिए ये स्टेप्स आप इंस्ट्रक्शंस जो भी आपके डैशबोर्ड पे आपको उपलब्ध होते हैं उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे उस जीएसटीआर 9 को ठीक से समझने में और भर के फाइल करने में। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सुविधा आपको जीएसटी पोर्टल पर प्रदान की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 3 टैब्स आप देख सकते हैं कि डाउनलोड जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी, जो कि आपने जितने भी जो आपने जीएसटीआर 1 और 3B में जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी अपने द्वारा फाइल 2017-18 में उसको आप समरी अगर जो रिलेवेंट टैब जीएसटीआर 9 के जो रिलेवेंट डेटा जहां पर पॉपुलेट होता है उसके हिसाब से आप जीएसटीआर 9 आपका
जो भी ऑटो फील्ड के हिसाब से डेटा के हिसाब से वो प्रिपेयर है, जिसको कि आप सिस्टम के द्वारा ऑटो जनरेट किया जा सकता है और वो डाउनलोड आप कर सकते हैं इस बटन को क्लिक करके। साथ में दूसरी बहुत ही बढ़िया सुविधा आपको ये दी गई जीएसटी पोर्टल के ऊपर कि आप GSTR 1 जो भी आपने इस फाइनेंशियल के दौरान फाइल किए थे उसकी समरी आप जो जो कि सिस्टम जनरेटेड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस बटन के द्वारा, इस बटन पे क्लिक करने के बाद। और साथ में ये 3B में भी जो GSTR 3B समरी है फॉर ऑल टैक्स पीरियड्स, ये इस PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए मैं GSTR 1 की समरी मैं यहाँ पर डाउनलोड बटन क्लिक करता हूँ और ये मेरे सामने फाइल मेरे सामने खुल गई और मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं ये पाऊंगा कि देखिए ये फॉर्म GSTR 1 की सिस्टम जनरेटेड समरी ये जो मेरे सामने आ गई है, जिसमें कि जो भी फॉर्म GSTR 1 मैंने उस पीरियड में भरे थे उससे संबंधित टैब्स की जो समरी है सिस्टम ने अपने आप कंप्यूट करके ये मेरे सामने ये आ जाती है। देखिए ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको समरी हेल्प करेगी अपना डेटा रिकनसाइल करने में, उसको मैच करने में और उससे संबंधित एक्शन लेने में, यानी कि इसको आप रेफर कर सकते हैं अपना GSTR 9 फाइल प्रिपेयर करने के लिए और फाइल करने के लिए। अब वापस लौटते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया इसी प्रकार से GSTR 3B भी उपलब्ध है, GSTR 3B जो भी आपने रिटर्न फाइल किए हैं, और इसके साथ ही आपको GSTR 9 की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूं इस GSTR 9 का। GSTR 9 यहाँ को थोड़ा सा अभी इशू आ गया, मैं फिर से दोबारा लॉगिन करता हूँ इसमें। यहाँ मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूँ ये एक्चुअल GST पोर्टल नहीं है, आपको इसके लिए GST पोर्टल पर होम पेज पर जाकर लॉगिन करना होगा। हाँ 17-18 में सेलेक्ट कर रहा हूँ, 18-19 का रिटर्न नहीं फाइल होना है अभी। ये प्रिपेयर ऑनलाइन मैंने क्लिक किया, क्वेश्चनायर मैं आपसे पहले उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे सामने स्ट्रक्चर आ जाता है फॉर्म GSTR 9 का, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि शुरू के जो ट्रेड नेम, लीगल नेम और GST नंबर ये ऑटो फिल्ड होके आपके सामने आएगा और इसमें सिस्टम कंप्यूटेड समरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए मैंने सिस्टम जनरेटेड समरी इसको डाउनलोड की GSTR 9 की, जो सिस्टम ने ड्राफ्ट की है, जो मेरे द्वारा डेटा दिया गया था GSTR 1 और 3B का, जिसको कि मैं रेफर कर सकता हूं और मैं रिकंस्ट्रक्शन डेटा में मुझे मदद करेगा, मेरा बहुत समय बचेगा। तो यह सिस्टम जनरेटेड फॉर्म GSTR 9 इसमें ये आ गया है, मगर इसके साथ ही इसमें बहुत सी, इसको आप डायरेक्ट फाइल कर मत कर दीजिएगा जब तक आप बिल्कुल निश्चिंत ना हो कि ये जो फिगर सिस्टम जनरेटेड फिगर है ये मैच करता है आपके एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट से। और साथ में जिन टैब्स में आपको आपने जो अमेंडमेंट सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में किए हैं, यानी कि 18-19 में किए हैं, जो रिलेट करते हैं 17-18 के ट्रांजेक्शन से, वो आपको खुद इसमें फाइल करने हैं, वो उसका डेटा इसमें ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। तो फिर आपको ये इस संदर्भ के रूप में या आपको रेफरेंस के रूप में या आप इसमें ले सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार से आप 1B समरी जनरेट कर सकते हैं। तो ये तीनों समरीज जो सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B, GSTR 1 और 9 की आपके रेफरेंस के लिए बहुत उपयोगी सुविधा आपको प्रदान की गई है। अब यहाँ पर ये देखें कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल 4
फोर से लेकर और इसमें टेबल 19 तक। तो आप ये देख सकते हैं कि टेबल 19 जो है ये ग्रे है, यानी कि ये अभी एक्टिवेट नहीं है, इस पे कोई भी काम नहीं हो सकता। और टेबल 4 से लेकर और टेबल 18 तक यहाँ पर किसी भी उसमें आप डेटा प्रिपेयर आप करके आप इसमें एंटर अभी फिलहाल कर सकते हैं शुरुआत में। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब आप निल सेलेक्ट करते हैं तो निल जब आप वो कंडीशंस अप्लाई होती हैं आपके ऊपर, आप उसको पूरा करते हैं और आप निल रजिस्टर 9 आपको फाइल करना है, तो जिस तरह से ये टेबल 19 ग्रे है इसमें आप कोई कार्य नहीं कर सकते, इसी प्रकार से फॉर्म में ये सारी एंट्रीज यानी कि टेबल 4 से लेकर और टेबल 19 तक सब ये ग्रे होगा और इसमें जीरो फिगर और जो समरी फिगर है वो जीरो इसमें दिखाई दे रहा होगा। इसमें टेबल 4 से लेकर 18 तक आप किसी भी निल उसके की दशा में आप कोई भी फिगर आप एंटर नहीं कर पाएंगे और निल फाइल करने की दशा में। और फिर आपको आगे का प्रोसेस कॉमन है, तो अब मैं यहाँ निल नहीं है, मैं निल मेरे ऊपर लागू नहीं होता रजिस्टर 9, तो फिर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आखिर अंतर क्या है, किस तरह के इसमें टैब्स हैं। देखिए टेबल 4 और टेबल 5 इसमें क्या है कि हमें टेबल 4 में एक ऐसी सब ऐसा हमें जो इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज जो कि हमने यहाँ 17-18 के दौरान किया है वो हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना है, जिसमें कि हम अनएडजस्टेड एडवांसेस का भी हम इसमें जिक्र करेंगे। अभी इसके बारे में विस्तार से मैं आपको टेबल के जो सब टेबल्स हैं वो सब मैं आपको विस्तार से खोल के बताऊंगा, मगर मोटे तौर पर जो टेबल 4 है वो ऐसी हमें सप्लाईज रिपोर्ट करनी है जिस पर कि टैक्स पेबल है, हमारे द्वारा टैक्स पेबल है और हमने दिया हुआ है, तो ऐसी सप्लाईज हम टेबल 4 में रिपोर्ट करते हैं। या और जैसा कि आपको पता है जीएसटी के प्रावधानों के अंतर्गत एडवांसेस पर भी जो हम सप्लाई के अगेंस्ट ले रहे हैं एडवांसेस, उस अगर अगर हमने इनवाइसेस नहीं जारी की हैं तब तक तो फिर हम उसको भी इसमें यहाँ शो करना है। तो अब टेबल 5 में हम वो फिगर रिपोर्ट करते हैं जो कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई है जिसका कि हमने कोई टैक्स हमें पेबल नहीं है। टेबल 6 में जो डिटेल्स ऑफ आईटीसी है जो कि हमने अवेल किया हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 वो हम इसमें फिगर हम इसमें एंटर करते हैं। और टेबल 7 में हम ऐसे जो आईटीसी हमने रिवर्स किया या फिर हमें इनएलिजिबल था वो उसकी हम यहाँ पर टेबल 7 में हम मोटे तौर पर हम इसको इसके एंट्री इसका रिपोर्ट करते हैं डेटा। और अगर अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यानी कि जीएसटीआर 2A में कितना फिगर मेरे पास आया, कितना मुझे मैंने 3B में इसमें 3B में मैंने अवेल किया और कितना जो है मुझे इनएलिजिबल था जो मैंने रिवर्स किया, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन हम टेबल 8 में हम देते हैं। और साथ में हम ये यहाँ पर यह भी बता दें कि ये टेबल जो डिटेल्स ऑफ टैक्स जो कि हमने पे किया जो कि हमने डिक्लेयर किया रिटर्न्स में 17-18 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो इसमें इसमें यहाँ एंट्री करनी है टेबल 9 के अंतर्गत। और देखिए टेबल 4 से लेकर और टेबल 9 तक ये सभी टेबल्स में आपको जो विवरण देना है वो 2017-18 में जो भी आपने सप्लाईज किया, आईटीसी अवेल किया, आईटीसी रिवर्स किया, इनएलिजिबल था 17-18 के दौरान, और या आपने सप्लाई इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाई में अगर कोई करेक्शंस आपने किए, अमेंडमेंट्स किए, आपने रिपोर्ट किया उसको माइनस या प्लस में, तो वो आप संबंधित डेटा बॉक्स आपको 4 से लेकर 9 तक आपको यह देना है इसमें। और साथ में जो टेबल 10, 11, 12 और 13 ये रिलेट करता है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन 17-18 के मगर आपने रिपोर्ट किए 18-19 में, 18-19 में अगर आप रिपोर्ट करते हैं 17-18 का ट्रांजेक्शन तो वो उससे संबंधित विवरण आप टेबल 10, 11, 12 और 13 में देते हैं। और इस जो आपने बाद में 2017-18 से संबंधित जो ट्रांजेक्शन आपने 18-19 में आपने रिटर्न्स में डिक्लेयर किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, उसका डिफरेंशियल टैक्स आप टेबल 14 में आप यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। और साथ में टेबल 15 जो है
पार्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड है। जो भी आपने डिमांड और रिफंड्स का जो स्टेटस है, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि 31 मार्च 2018 को जो भी आपका स्टेटस है डिमांड्स और रिफंड्स का, वो इसमें भरा जाना है। अब टेबल 16 में आपको जो डिटेल्स देना है कि आपने कितनी सप्लाई कंपोजिशन टैक्स पेयर से आपने लिया, डीम सप्लाई जॉब वर्कर से कितनी थी, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की आपको डिटेल इसमें देना है। और टेबल 17 में जो आउटवर्ड सप्लाई आपने की है उसकी एचएसएन वाइज समरी आपको यहाँ पर इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको देनी है। और टेबल 18 रिलेट करती है जो इनवर्ड सप्लाईज है आपकी, उसका रिकॉर्ड एचएसएन वाइज समरी आपको यहाँ पर टेबल 18 में एंटर करनी है। टेबल 19 मैंने क्या आपको बताया कि जब आप ये तैयार कर रहे होंगे, जब आप इसमें फिगर एंटर कर रहे होंगे, तब जब तक आप क्या है टेबल 4 से लेकर और टेबल 15 तक का फिगर आप इसमें एंटर नहीं करते, तब तक आपको ये टेबल 9 ये ग्रे रहेगी, एक्टिवेट नहीं होगी। इसका स्टेप इसको एक्टिवेट करने के लिए इससे संबंधित टेबल में जो आप एंट्री करने के बाद वो फिर मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये STR 9 का मैंने आपको फॉर्मेट स्पष्ट किया। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेप्स टू फाइल GSTR 9 रिटर्न है। अब जब आप यहाँ टेबल 4 से लेकर 18 तक, टेबल 4 to 18 आप यू एंटर योर डेटा, मगर यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जल्दी मत कीजिएगा इसको फाइल करने की। जब तक आप पहले आप तैयारी कर लीजिए, डेटा रिकनसाइल कर लीजिए और देख लीजिए कि जो भी आप फिगर रिपोर्ट कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। तो इसको जल्दी मत कीजिएगा इसको फाइल करने में, और इसको इसको आराम से इसको जो है डेटा रिकनसाइल करने के बाद, फिगर मैच करने के बाद ही आप इसको करिएगा सही फिगर इसमें रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें रिविजन पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इसमें डेटा एंट्री कर देते हैं तो फिर आप कंप्यूट लाइबिलिटी का बटन इसमें आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका प्रोसीड टू फाइल जो बटन है वो ऑन हो जाता है। प्रोसीड टू फाइल के बाद अगर आप लेट फी, अगर आप ड्यू डेट जो कि 30 जून 2019 है, अगर उस इसमें वो जो भी आपने डेटा एंटर किया है वो प्रोसेस इसमें टेबल 4 to 18 हो जाता है और टेबल 19 की फिगर इसमें आ जाती है। अगर लेट फी आपको लग रही है यानी कि 30 जून 2019 के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो लेट फी कैलकुलेट होगी, जो पे आप करेंगे उसके बाद ही आप इसको फाइल कर पाएंगे। तो और यहाँ पर बैक टू क्वेश्चन आयर है, अगर जब भी आप चाहें तो आप बैक टू क्वेश्चन आयर जा सकते हैं, बैक टू अपने फॉर्म पे जा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और साथ में ड्राफ्ट GSTR 9 आप प्रीव्यू आप इसको बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब टेबल 4, जैसे अब टेबल 4 की मैं बात करूंगा तो ये मैंने टेबल 4 इसमें खोल ली है जो कि पर्टेन करती है, जो संबंधित है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस। देखिए बिल्कुल क्लियर है कि एडवांसेस इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, तो इसमें इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड भी मैं अभी स्पष्ट करूंगा आने इसको टेबल में कि कौन सी इनवर्ड सप्लाई पर इसमें हमें यहाँ देना है। मगर मोटे तौर पे आप ये समझिए कि ऐसी सभी सप्लाईज जो कि आपने 2017-18 में की हैं, जिस पर कि आपको टैक्स पे करना है, तो ऐसे सभी आपको यहाँ जो डेटा है वो टेबल 4 में रिपोर्ट करना है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं कि ये हेल्प, आप ये देखेंगे कि सभी जितने भी डेटा टेबल हैं 4 से लेकर 19 तक, उसमें एक हेल्प सेगमेंट है और उस पर क्लिक करके आप पाएंगे इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है कि किस टेबल में कौन सी फिगर आपको भरनी है, यानी कि फाइलिंग इंस्ट्रक्शंस आपको गाइड करने के लिए टूल टिप इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टूल टिप ये आपको मदद करेगा आपको ये सभी इंफॉर्मेशन भरने में। तो ये हेल्प का आप मेन्यू में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आप रेफर कर सकते हैं ये GSTR 9 को तैयार करने के लिए और उसको एंटर करने के लिए कि किससे संबंधित डेटा यहाँ पर देना है। तो और यहाँ पर जो फिगर आपको दिखाई देगी, देखिए 4A जो टेबल 4A है ये सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, यानी कि आपने अगर जो भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्संस को या कंज्यूमर्स को आपने जो भी सप्लाई किया है 2017-18 के दौरान, वो आपको इसमें टेबल 4A में शो करना है।
देखिए, वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो GSTR 1 आपने फाइल किए थे उसमें टेबल 4, 5 और 7 में जो आपने फिगर रिपोर्ट की थी, मोटे तौर पे ये जानकारी है। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डेटा गलत रिपोर्ट हुआ या रिपोर्ट करने से रह गया, कंप्लीट नहीं था फॉर्म GSTR 1 में, टेबल 3, 5, 7 में, उस टाइम पर, तो फिर अब आप उसको यहाँ पर जो सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यूज आपको शो करेगा, मगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये टैक्सेबल वैल्यूज जो सिस्टम कैलकुलेटेड वैल्यूज के अलावा भी आप इसमें आप इसको एंटर कर सकते हैं अपनी एक्चुअल फिगर्स के हिसाब से, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकंसाइल डेटा के हिसाब से आपको ये फिगर यहाँ पर एंटर करनी है। जो भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर होगी वो इसमें चेंज हो जाएगी आपके द्वारा एडिट करने पर। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी जिसमें भी आप ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को आप चेंज करते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसके बाद उसको सेव करते हैं और फाइल कर देते हैं, तो वही जो आपने फिगर एडिट किया है, जो आपने एंटर किया है, वही फाइनल मानी जाएगी और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लायबिलिटी घटने बढ़ने या फिर वो फिर आगे उसकी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आप टेबल 4A में रिपोर्ट करेंगे, ये रिपोर्ट आपको अनरजिस्टर्ड पर्संस, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्संस को आप सप्लाई करते हैं, तब भी आपको यह इसमें 4A में ही देनी है। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि 4A में जो भी आप सप्लाईज रिपोर्ट करते हैं वो नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स हो, यानी कि 2017-18 फाइनेंशियल ईयर से संबंधित जो भी आपने इनवाइसेस काटे हो या फिर डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया हो इन रिस्पेक्ट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसको कंसीडर करने के बाद ही आप इसमें वैल्यू और टैक्स के अमाउंट का आप इसमें एंट्री करते हैं। साथ में अब चलते हैं टेबल 4B के ऊपर। टेबल 4B है सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि B2B, यानी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर दूसरे को, अगर आप भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करते हैं, तो वो B2B कैटेगरी में आएगी और इसमें UIN यानी कि यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर्स हैं, ऐसे एम्बेसीज, काउंसुलेट और अदर नोटिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसमें इंक्लूड होगी इस सप्लाई डिटेल्स में। अगर आपने UIN पर्संस को आपने कोई भी सप्लाई किया है, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और साथ में ये जो रजिस्टर्ड पर्संस हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप जिन रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करते हैं वो भी इसमें टोटल होगा। और इसके अलावा जो इसमें आप डेबिट और क्रेडिट नोट इन बाकी में 4A के अलावा बाकी आपको इसमें A से लेकर और G तक आपको रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट नोट से संबंधित जो गणना आपके लिए सेपरेट टेबल्स इसमें यहाँ पर दी गई है। इसमें जो टेबल 4B में जो डेटा पॉपुलेट होकर आएगा वो टेबल 4A और 4C जो फॉर्म GSTR 1 आपने भरा है उससे पॉपुलेट होकर ये आएगा। साथ में अब हम देखते हैं 4C क्या है। 4C है जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाईज टू SEZ। तो अब इसमें ये देखिए कि जो भी गुड्स या और सर्विसेज आप इंडिया के बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिस पर कि आप टैक्स देते हैं खुद, वो ऐसी सारी सप्लाईज आप इसमें रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि SEZ और SEZ डेवलपर्स के लिए इसमें अलग से टेबल है। तो यहाँ 4C में आपको ऐसा जो जीरो रेट सप्लाई एक्सपोर्ट आपको जो SEZ या SEZ डेवलपर किया है वो फिर उसमें नहीं करना है, जैसा कि विवरण से स्पष्ट है। और आपको कोई भी कंफ्यूजन तो मैंने आपको बताया कि हेल्प पे क्लिक करके आप इसको रेफर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस, फाइलिंग इंस्ट्रक्शंस मैनुअल इसमें दिया हुआ है। और इसके साथ ही 4D पर्टेन करता है सप्लाईज टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो फिर इसमें जो है SEZ में, अगर आपने SEZ या SEZ डेवलपर को कोई सप्लाई किया है तो आप इसको ये ऑटो पॉपुलेट आपके सामने हो जाएगा, आप इसमें एंट्री भी कर सकते हैं, वैल्यू वैल्यू और टैक्स की आपको इसमें जो ऑटो पॉपुलेट फिगर में अगर कोई चेंज है तो आप इसमें कर सकते हैं, आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। और ये जो टेबल है 6 सप्लाई टू SEZ और डेवलपर्स, ये टेबल 6B GSTR 1 से आएगी है। मगर यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं,
बिल्कुल आपको कि जब आप ये भरते हैं तो आप एक्चुअल डेटा आप लेते हैं, चाहे वो आपने अगर नहीं रिपोर्ट नहीं भी कर पाए थे तो फिर यहाँ पर आप इसको एक्चुअल डेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से रिकनसाइल्ड फिगर होगी वो आपको यहाँ पर जब भी आप GST 9 भरेंगे वो आपको देनी है। अच्छा अब ये जो है, अब ये डीम्ड एक्सपोर्ट की बात करता है 4E। तो 4E में क्योंकि आप देखेंगे कि सेक्शन 147 है CGST एक्ट का, जिसके अंतर्गत कुछ सप्लाईज नोटिफाई की गई हैं डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए, जिसमें कि आप देखेंगे कि अगर कोई सप्लाई ऐसी हुई है जो अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने भेजा है अगेंस्ट EPCG ऑथराइजेशन, या फिर आपने एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट कोई गुड्स की सप्लाई की है, या फिर आपने EOU को कोई गुड्स सप्लाई की है, और चौथी एक जो नोटिफाइड कैटेगरी है वो है सप्लाई ऑफ गोल्ड, अगर कोई बैंक या PSU अगर सप्लाई करता है गोल्ड की, जो कि कस्टम नोटिफिकेशन नंबर 50/2017 के अंतर्गत आती है, जिसका प्रोसेस दिया हुआ है, अगर वो कंडीशन तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट में आएगा, और ऐसी सभी डीम्ड एक्सपोर्ट के आपको डेटा यहाँ पर 4E में एंटर करना है। ऑटो पॉपुलेटेड के अलावा अगर कोई चेंज है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं उसको। अब 4F जो है, 4F है रिलेट करता है एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवाइसेस हैज नॉट बीन इशूड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 31 मार्च 2018 को ऐसे कोई एडवांसेस हैं जो एडजस्ट नहीं हुए, एडजस्ट ना होने का मतलब ये है कि ऐसे एडवांसेस जिस पर आपने टैक्स तो पे कर दिया मगर इनवाइस इशू नहीं किया, 31 मार्च 2018 को 31 मार्च 2018 को अगर ऐसे हैं और अभी आपने A to E जो ऊपर डिटेल दिया था उसमें इसको एंटर नहीं किया है, तो फिर आप इसको रिपोर्ट करेंगे टेबल 4F में। इसके अलावा टेबल 4Z जो है इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, तो ऐसे जो आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 9 CGST एक्ट का और IGST एक्ट का सेक्शन 5, जैसे सभी उसके लिए, क्योंकि RCM पर कौन कौन से जो आपने जिस पर ऐसी सभी इनवर्ट सप्लाईज, देखिए ये 4Z बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनवर्ट सप्लाई से रिलेट करता है, जबकि 4A से लेकर F तक आपके टर्नओवर से आपके द्वारा आउटवर्ड सप्लाई से रिलेट करते हैं। तो 4G बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 4G में आपको ऐसी इनवर्ट सप्लाईज जो कि गुड्स या सर्विसेज जो कि आपने रिसीव की हैं टैक्सेबल, जिस पर कि टैक्स आपको देना पड़ा है, एप्लीकेंट को देना पड़ा है जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसको देना पड़ा है, क्योंकि उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पर उसको टैक्स पे करना था। जैसे कि मान लीजिए आप सर्विसेज लेते हैं किसी एडवोकेट की सर्विसेज लेते हैं, या फिर आप GTA हैं तो इसमें आपको वो पे करना है, तो आप ये रिवर्स चार्ज में आप इसको शो करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसको बहुत ध्यान से आपको गणना करनी है और देखना है, क्योंकि कुछ 2017-18 में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था 12 अक्टूबर 2017 तक, मैंने यानी कि 12th of October 2017 तक जो अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, अगर आप इनवर्ट सप्लाईज लेते थे 5,000 से ऊपर जिसका मूल्य होता था तो उस पर आपको खुद गणना करके उसका टैक्स देना था, 13 अक्टूबर से यह प्रोविजन नहीं है, तो आपको अपना डेटा रिकनसाइल करके और यहाँ पर रिपोर्ट करना है। अब जो भी आप फिगर इसमें 4A to 4G आप रिपोर्ट करेंगे इसका ऑटोमेटिक सब टोटल यहाँ पर 4H में यहाँ पर आ जाता है। यहाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखिए यहाँ जैसे आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि किसी भी आइटम पे आप क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं कि अमाउंट जो आपने अभी तक भरा है वो इसमें आता है, और सिस्टम कैलकुलेटेड यानी कि सिस्टम कंप्यूटेड भी यहाँ पर आपको शो करता है। मेरा जहाँ कर्सर है यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी उस पर आप आइए तो यहाँ पर आपको यहाँ जो सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट है वो यहाँ पर शो करता है जो पहले से प्रीफिल्ड होगा। यहाँ आपकी सुविधा के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने बता दिया है। मान लीजिए सिस्टम कैलकुलेटेड है और आपने यहाँ अपनी फिगर भर दी, उसके बाद आप देखना चाहें तो या तो आपने जो ड्राफ्ट GST 9 आपने जो सिस्टम कंप्यूटेड समरी आपने डाउनलोड की थी आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, और यहाँ पर कर्सर रखने पर आपको हमेशा जो सिस्टम कंप्यूटेड समरी है वो आपको बताएगा। इसके साथ ही जो इसमें ये G तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, H में इसका जो ऑटो टोटल करके ये आ जाता है,
ऑटो टोटल जो जो भी ग्रे फील्ड्स हैं ये अपने आप इसका टोटल सिस्टम द्वारा किया जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर इससे संबंधित में आपको चेंज करना है तो इससे संबंधित जहां से ये ऑटो टोटल हो रहा है उसमें आप जरूरत पड़ने पर आप इन फिगर्स को चेंज कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई जरूरत है, कोई कमी है तो। अच्छा, अब ये 4I जो है रिलेट करता है क्रेडिट नोट्स इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबव, यानी कि 2017-18 में जो भी आपने क्रेडिट नोट इशू किए हैं, जो कि आपने ट्रांजेक्शन B2E यहाँ पर दिखाए हैं, इससे संबंधित क्रेडिट नोट अगर आपने इशू किए हैं तो यहाँ पर आपको दिखाना है इसमें 4I की टेबल में। और ये जो है टेबल 9B, आपका जो टेबल 9B फॉर्म GSTR 1 से ये डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आपके पास आता है, जिसको कि आप जो आपने रिपोर्ट किया है, जिसको कि आप अपने रिकनसाइल डेटा के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर डेबिट नोट दिया है तो डेबिट नोट होने पर इस पर लायबिलिटी में फर्क पड़ता है, वो प्लस में वो ऐड होती है लायबिलिटी में, तो फिर उससे संबंधित आप ये इसको दे सकते हैं। टेबल 4B से लेकर 4E तक जो जो आपने डेबिट नोट इशू किए हैं इससे संबंधित, जो ऊपर आपने वो दिया है वो टेबल 9B में आपने GSTR 1 में फाइल करते हुए दिखाया होगा, और आप इसको कोई भी उसमें आप इसको रेफर कर सकते हैं, और चेंज चेंज एक्चुअल जो सप्लाई फिगर है उससे चेंज होने पर आप इसमें एंटर कर सकते हैं एक्चुअल सप्लाई फिगर। अब इसी तरह से जो आपने अगर कोई इनवाइस में अगर आपने सप्लाईज या टैक्स को डिक्लेयर किया है, अमेंड किया है टेबल 9 में जाकर GSTR 1 में, तो फिर आप इसकी फिगर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपने कोई सप्लाई या टैक्स रिड्यूस किया है अमेंडमेंट द्वारा टेबल 9 में जाकर, जो कि 2017-18 से पर्टेन करता है उसमें आप, मगर ये जो अमेंडमेंट है ये भी आपने 2017-18 में शो करके और 17-18 के संबंधित रिटर्न्स या स्टेटमेंट में आप दिखा चुके हो तो आप इसमें यहाँ पर दिखाएंगे। इसी प्रकार से जब आप ये कर लेते हैं तो टेबल I से लेकर यानी क्रेडिट डेबिट नोट्स और जो अमेंडमेंट्स हैं आपके प्लस और माइनस में, ये 4M में यहाँ ऑटो टोटल होके आपके द्वारा एंट्री करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेबल 4N जो है, टेबल 4N जो भी आपने डेटा गणना किया आपने यहाँ पर दिया, वो ऑटो पॉपुलेट होकर वो आ जाता है कि ऐसी सारी सप्लाईज जिस पर आपने टैक्स दिया है 2017-18 में, या फिर अभी जो आप एडिशनल लायबिलिटी आप डिक्लेयर कर रहे हैं 17-18 की, तो ऐसी सारा टैक्सेबल टर्नओवर प्लस एडवांसेस जो कि अनएडजस्टेड एडवांसेस थे 31 मार्च 2018 को, ये टोटल ऑटो पॉपुलेट होकर आपके सामने आ जाता है। अब हम वापस चलते हैं इसमें बैक टू जिस, अब हम नेक्स्ट टेबल देखेंगे इसमें कि नेक्स्ट टेबल, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल 5 है। टेबल 5 को अभी फिर से मैं वापस टेबल 9 पे 5 पे जाता हूँ आपको स्पष्ट करने के लिए कि टेबल 5 है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। तो फिर यहाँ पर आपको ऐसी आउटवर्ड सप्लाई देनी है जहां जिस पर की टैक्स पेबल नहीं था, तो 2017-18 में तो कोई भी टैक्स आपके द्वारा नहीं दिया जाना था, उसकी वैल्यू आपको डिटेल देना है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं टेबल 5 के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल 5 है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच द टैक्स इज नॉट पेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल 5A में 0 रेट सप्लाई, यानी कि एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ऐसे सभी एक्सपोर्ट जो कि अंडर बॉन्ड या LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंतर्गत किए गए हैं, जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया है, वो सारा उसकी वैल्यू यहाँ पर रिपोर्ट होनी है टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि ये यहाँ डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है और जो मेरे द्वारा एंटर्ड फिगर है, और ये आपको दिखा रहा है कि अमाउंट मैंने इतना एंटर किया और सिस्टम कैलकुलेटेड इतना है। फिर भी आपको बता दूं कि टेबल 5 में भी जो 2017-18 से रिलेटेड डेटा है वही आपको इसमें देना है, जो आपने रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट में और जो रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स के बाद आपने आपको जो एक्चुअल फिगर है वो इसमें रिपोर्ट करनी है। सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने SEZ को कोई ऐसी सप्लाई किया है जो कि आप जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया है, तो फिर वो आपको यहाँ एंटर करना है, जो कि आप इसको रेफर कर सकते हैं GSTR 1 के टेबल 6B को।
और सप्लाईज, अगर आपने कोई ऐसी कोई सप्लाईज की हैं, देखिए आपके आउटपुट सप्लाईज ऐसी हो सकती हैं जिस पर एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से जो आपका रिसिपिएंट है, जो जिसको आपने बेचा है, सप्लाई रिसीवर है जो सप्लाईज का, उसको टैक्स देना है। ऐसी सभी सप्लाईज को आप जब GSTR 1 में आप दिखाते हैं टेबल 4B में, तो वो सभी सप्लाईज आपको यहाँ पर दिखाई दिखाई जानी अपेक्षित है, क्योंकि आपने इसमें टैक्स नहीं देना है, रिसीवर को टैक्स देना है। 4C में इसके आप एंट्री कीजिए। 4D में आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का आपको टेबल देना है, जो एग्जेम्प्टेड, और साथ में ये टेबल 8 आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही टेबल 5E में आप निल रेटेड, अगर निल रेटेड सप्लाईज है आपकी, निल रेट जिस पर है, तो आप उसकी टैक्सेबल वैल्यू की टेबल 5E में दे सकते हैं। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण है ये 5F, नॉन GST सप्लाई इंक्लूड्स नो सप्लाई। ऐसी सभी जो कि सप्लाईज अगर आपने किया है और जो GST के दायरे में नहीं आता है, तो वो गणना करनी है वो नॉन GST सप्लाई में। यानी कि मान लीजिए आप अल्कोहलिक लिकर में डील कर रहे हैं उसी रजिस्ट्रेशन पर, और आपने जो नॉन GST सप्लाई के अंतर्गत इस तरह का ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में रिपोर्ट करना है, और इसमें नो सप्लाई भी शामिल होगी जो कि GST के प्रावधानों के अंतर्गत सप्लाई नहीं मानी जाती। ये नो सप्लाई क्या है? नो सप्लाई को के बारे में जानने के लिए आप शेड्यूल रेफर कर सकते हैं, जो शेड्यूल 3 है CGST एक्ट का, आप उसको रेफर कर सकते हैं इसको, इसके बारे में जानने के लिए। और वैसे आपके थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि जो हाई सी सेल्स हैं या फिर सेल ऑफ लैंड है, वो नो सप्लाई में कवर होगी। तो जब आप ये 5A से लेकर 5G तक, 5F तक आप डेटा आप एंटर कर देते हैं, तो ये सिस्टम इसको ऑटो टोटल करके 5G में इसको कर देता है। अब जो आपने जो ऊपर सप्लाईज 5 में आपने विभिन्न टेबल में जो आपने सप्लाईज किया, अब वो अगर उससे संबंधित आपने क्रेडिट नोट इशू किए हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर चीज है कि वो क्रेडिट नोट, ये इसमें जो टेबल 4 और 5 में जो फिगर भरी जानी है, वो सभी सप्लाई से, मतलब उससे संबंध सप्लाई से आपने या तो आपके पास इनवाइस काटे हो, या आपने अमेंडमेंट किए हो, चाहे सप्लाई और टैक्स में इनवाइस में अमेंडमेंट किए हो, और या फिर क्रेडिट डेबिट नोट शो किए हो, मगर ये सब 2017-18 के दौरान ही किए हो, तब आपको ये टेबल 5 में आपको ये दिखाए दिखाए दिखाने हैं। तो ये आप टेबल 5S में ऐसे सभी क्रेडिट नोट जो कि आपने ट्रांजेक्शन से ऊपर दिखाए हैं, अगर आपने इशू किए हैं उस दौरान, उसकी यहाँ पर एंट्री करनी है, वैल्यू आपको दिखानी है, और डेबिट नोट्स की भी एंट्री इस प्रकार से करनी है। यहाँ पर जो उसका रिलेवेंट जो क्रेडिट नोट का, क्योंकि लायबिलिटी उसे घटती है और डेबिट नोट उसे बढ़ती है, तो सिस्टम उसको ऑटो कैलकुलेट कर रहा है। इसी प्रकार से 5J में जो सप्लाई आपने डिक्लेयर की है अमेंडमेंट के द्वारा, तो देखिए जो भी आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, और जो सप्लाई इनवाइस में अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये सारे आप टेबल 9 में जाकर करते हैं। तो टेबल 9 में जाकर आप इसको करते हैं, 9B में, तो GSTR 1 के, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए, अपार्ट फ्रॉम द अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह की सप्लाई आपने जो अमेंडमेंट्स किए, आपने सप्लाई डिक्लेयर की प्लस में या माइनस में, वो GA 5J और 5K में रिस्पेक्टिवली भरी जाएगी, और सिस्टम उसको आपके द्वारा जो डेटा है उसको वो ऑटो कैलकुलेट यहाँ पर कर देगा। जितनी भी ग्रे टेबल है वो सिस्टम द्वारा ऑटो फिल्ड, आपके द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, जो डेटा दिया गया, उसके उसके आधार पर कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जब सप्लाई की फिगर दे दी, हमने अमेंडमेंट और क्रेडिट डेबिट नोट्स की फिगर दे दी, तो अब उसके बाद टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज नॉट टू बी पेड, ऐसा जो नॉन टैक्सेबल टर्नओवर है जिस पर टैक्स नहीं पे किया जाना है, वो जी से लेकर एल तक ये अपने आप ही इसमें टोटल आ जाता है। आप देखेंगे कि ये एम में आ जाएगा, और ये टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस जो कि हमने 4N में जो गणना की थी टैक्सेबल टर्नओवर की, प्लस 5M में, 5M में ये जो नॉन टैक्सेबल की, प्लस एडवांसेस, और जो ये हमारा इसमें टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस, इससे ऑटो फिल्ड होके हमारे द्वारा जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जो 4G इसमें माइनस किया गया है, इसका मतलब यह है कि जब भी हम टर्नओवर की गणना करेंगे, क्योंकि हमने 4G में ऐसी इनवर्ट सप्लाईज दिखाई थी जिसके ऊपर हमने टैक्स दिया था एज रिवर्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
तो वो हमारे टर्नओवर का पार्ट नहीं है, तो वो सिस्टम उसको घटा देता है 5N में। अब मैं वापस आता हूँ टेबल सिक्स के लिए। टेबल सिक्स देखिए आप, ये कि टेबल सिक्स है डिटेल्स ऑफ ITC availed ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जब आप ये टेबल सिक्स पे क्लिक करते हैं तो ये ITC availment की आपकी फिगर इसमें बताता है आपको कि कितना आपने ITC अवेल किया फाइनेंशियल ईयर 17-18 के दौरान। तो अब यहाँ चलते हैं टेबल 6A पर। टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट थ्रू फॉर्म GSTR 3B, यानी कि आपका फॉर्म GSTR 3B का जो भी आपने टेबल 4A में जितने भी आपने अमाउंट ITC क्रेडिट ITC का आपने अवेल किया था, वो सब ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल 6A में आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि इस पर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, तो ये मुझे कोई भी, ये मुझे बार कर रहा है और मुझे कोई भी एंट्री इसमें नहीं करने दे रहा, यानी कि 6A में वो फिगर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जो कि मैंने टेबल 4A में फॉर्म GSTR 3B में फाइल करते हुए मैंने अवेल किया था। जितना भी ITC क्रेडिट वो सब यहाँ फिगर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और उसमें मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, किसी प्रकार का अमेंडमेंट इसमें नहीं कर पाऊंगा। साथ में इनवर्ट सप्लाईज 4B, अगर ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाईज हैं जो कि इंपोर्ट के अलावा, या फिर ऐसी इनवर्ट सप्लाईज जो कि रिवर्स चार्ज के अलावा ऐसी हैं, तो वो इनवर्ट सप्लाईज पे जो मुझे यहाँ पर इसका ब्रेकअप देना है कि ऐसी इनवर्ट सप्लाईज, इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टर्ड पर्सन से मेरी जो इनवर्ट सप्लाईज हैं वो मुझे यहाँ पर इसमें रिपोर्ट करना है। और सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं करना, यहाँ पर मुझे देना है कि कितना पोर्शन उसका इनपुट से रिलेटेड है, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है या इनपुट सर्विसेज रिलेटेड है, और टैक्स वाइज IGST, सेंट्रल टैक्स, स्टेट और सेस के रूप में, स्टेट यूटी टैक्स के और सेस के ब्रेकअप मुझे यहाँ पर इसमें देना है। देखिए ये फिगर आपको खुद एंटर करनी है, 6B से लेकर आगे तक की फिगर आपको खुद एंटर करनी है, सिर्फ 6A की फिगर ही ऑटो पॉपुलेट होकर रेफरेंस के रूप में आपको मिल रही है कि कितना टोटल आपने ITC क्लेम किया था। अब 6C, अगर हम 6C पर आए, ये जो है इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ये जो जो लायबल टू रिवर्स चार्ज, देखिए बहुत सारी, जैसे आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने इनवर्ट सप्लाईज रिसीव की हैं, जिस पर एक्ट के हिसाब से, सेक्शन 9 के हिसाब से उस पर आपको एज रिसीवर आपको देना था, यानी जी आपने अगर GTS सर्विसेज ली या आपने एडवोकेट की सर्विसेज ली या ऐसी और नोटिफाइड सर्विसेज ली, तो उस पर आपको टैक्स इसका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ देना है। ऐसी सभी आपको इसमें शो करनी है जिस पर आपने, क्योंकि आप खुद टैक्स देते हैं और ITC अवेल करते हैं जो टैक्स आप देते हैं उसका, तो आपको इसमें इस ऐसे टैक्स की गणना करनी है और उसको इनपुट कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज के रूप में कैटेगराइज करके उससे संबंधित टैक्स इसमें यहाँ एंटर करना है, टैक्स की डिटेल। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टेबल 6D में। तो 6D में ये देखिए, ऐसी रजिस्टर्ड पर्सन से, अब यहाँ भी है इनवर्ट सप्लाई ही और है भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर, कि जितने जो मैंने RCM बेसिस पर मैंने खुद टैक्स दिया है रिसीव करने के बाद, मगर यहाँ पर जो रजिस्टर्ड पर्सन से मेरी सप्लाईज हैं वो मैं उसके यहाँ पर मैं बताता हूँ कि रजिस्टर्ड पर्सन से जो मैंने और वो उसकी मैं यहाँ पर देता हूँ। तो रजिस्टर्ड पर्सन से अगर सप्लाई है, अगर ऐसी नोटिफाइड सर्विसेज हैं जिस पर RCM के अंतर्गत मुझे पे करना है, तो उसकी गणना मैं यहाँ 6D में देता हूँ। यहाँ 6E जो है, 6E इम्पोर्ट, देखिए मैं फिर से आपको बता दूं कि बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर टैब में हेल्प के इंस्ट्रक्शंस हैं और आपको ये पूरी मदद करेंगे एसर्टेन करने में कि आप कोई भी आप डेटा दे रहे हैं तो वो कहाँ से वो डेटा पॉपुलेट होगा और कहाँ से कौन किस प्रकार के नेचर की, आपको क्या इसमें इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। हर बॉक्स में, हर डेटा बॉक्स में ऐसा ये हेल्प का मेन्यू अवेलेबल है आपकी सुविधा के लिए। अब यहाँ पर हम आ गए टेबल 6E पर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम SEZ। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो फिर उसमें SEZ से जो आप रिलेटेड आप ले रहे हैं इनवर्ट सप्लाईज है आपकी, वो भी इसमें शामिल होंगे, उसको इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के रूप में आपको सेग्रीगेट करके संबंधित जो टैक्स आप दे रहे हैं वो आपको टैक्स की गणना इसमें संबंधित कॉलम्स में आपको करनी
करनी है। मगर यहाँ पर आप देखिए कि ये जो टेबल इंपोर्ट से रिलेटेड है 6E और 6F, इसमें क्योंकि IGST आप पे करते हैं तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स से संबंधित जो बॉक्सेस हैं वो डिसेबल किए हुए हैं, जिससे कि आपको भरने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, और क्योंकि आपको IGST के अंतर्गत या अगर सेस अवेलेबल है तो आपने पे किया है तभी आपको उसमें डेटा देना है। तो ये था हमारा जो 6F, अगर आप पोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं कर रहे हैं और आपने SEZ से कोई इनवर्ट सर्विसेज ली हैं जिस पर आपको टैक्स देना है, तो फिर ये उसका IGST पेमेंट का और सेस का फिगर आप इसमें 6F में आप एंटर करते हैं। और ये फिगर देखिए, ये फिगर आपको जो है टेबल 4A से जो रजिस्टर 3B आप भरते हैं वहां से भी आप इसको रिकंस्ट्रक्शन देता है कि आप इसको कर सकते हैं। अब अगला है 6G, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई अवेल किया है जो कि जो ISD है, ISD जो कि उसने इनपुट सर्विस क्रेडिट ISD जो इनवाइस उसने इशू किया होगा आपको, उसमें अगर आपने कोई टैक्स अवेल किया है तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको देनी है। और रजिस्टर्ड पर्सन के पास मगर उस तरह का जो ISD का जो रूल 54 में जो इनवाइस इशू करता है ISD के द्वारा वो होनी चाहिए। और साथ में एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें इनएलिजिबल जो क्रेडिट अबव पास ऑन आपको किया है वो आपको इसमें नहीं लेना है। और जो 6H है, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड अदर देन बी अबव अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब बी पर हम आते हैं, हम ये बी का हमने देख लिया। अब इसमें जो है अगर हमने देखिए रिक्लेम कब होता है, ये पूरा अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलमेंट प्लस रिवर्सल प्लस रिक्लेमेशन, ये तीनों ही एक्टिविटीज आपकी 2017-18 में ही होनी चाहिए, तो आप इसमें 6H में रिपोर्ट करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन आ जाती है कि आप ITC क्लेम करते हैं, फिर आप जैसे मान लीजिए जॉब वर्कर के रूप में आपने गुड्स भिजवा दिए चालान के ऊपर जॉब वर्क के लिए और वो 180 दिन के अंदर नहीं आए, तो अब आपने जो है उसका 37 में आपने उसका रिवर्सल कर दिया, फिर जब वो आ गए तो आपने उसका क्रेडिट ले लिया उसके बाद। तो इस तरह की चीजें जो भी ITC और इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं कई यूज केसेस, अगर आपने कोई अमाउंट आपने अवेल करने के बाद आपने रिवर्स कर दिया था और उसके बाद आपने रिक्लेम कर लिया है, तो उसको ऐसी सभी गणना आपको टेबल 6H में यहाँ पर देनी है। अब जो आप बी से लेकर एच तक जो आप फिगर देंगे वो यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी टेबल 6I में। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये और इसका डिफरेंस आई से और ए का, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 3B का जो आपने टेबल 4A में लिया था वो यहाँ पर जो टोटल आपने क्लेम किया है प्लस जितना आपको यहाँ पर जो आपने रिपोर्ट किया अलग अलग उसमें, तो ये आपको गणना करता है और इसके डिफरेंस 6J में निकालता है कि आपने क्रेडिट में जो आपने 3B में आपने क्लेम किया और टोटल ये जितना आप इसका ब्रेकअप करके बता रहे हैं इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं, वो आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर उसमें डिफरेंस है तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्शन उसका लेना होगा। जो ये 6J भी जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। अब 6K जो डील करता है, 6K डील करता है कि आपने ट्रान 1 में अगर आपने कोई इन रिविजन के साथ अगर आपने कोई क्रेडिट लिया है तो 6K में आप उसको दिखाएंगे CGST और SGST के हेड में। मगर यहाँ और ट्रान 2 का आपका क्रेडिट जो कि अगर आपने ट्रान 2 के थ्रू कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका आया है तो आप इसमें दिखाएंगे। मगर यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि ट्रान 1 और ट्रान 2 का जो भी आपको डेटा देना है, अगर आपने ट्रान 1 और ट्रान 2 मार्च 2018 या उससे पहले 31 मार्च 2018 या उससे पहले आपने अवेल किया है यह क्रेडिट तभी आपको रिपोर्ट करना है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जैसे IT ग्लिचेस की वजह से ट्रान 1 जिनका बाद में जिनके स्पेसिफिक केसेस में GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद खोला गया और जिन्होंने 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद लिया है उनको यहाँ पर ट्रान 1 और ट्रान 2 का डेटा यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करना है क्योंकि ये 2017-18 का ही डेटा है, यहाँ पर रिपोर्ट करना है एनुअल रिपोर्ट में। और इसमें इसके अलावा 6M आप देखेंगे,
6M अगर है तो यह है एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। तो यहाँ पर कि अगर आपने कोई सी और तरह की ITC अवेल की है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, मगर यहाँ पर आपने नहीं दिखाया है उसको, तो फिर आप इसको 6M में आप इसको दिखा सकते हैं। इसमें बेसिकली आप ITC 01 या फिर ITC 02 से संबंधित आप जो डेटा आप यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं अगर आपने इसको भरा है तो। ITC 02 जैसा कि आपको पता है कि क्रेडिट ट्रांसफर अगर होता है मर्जर एमलगमेशन वगैरह के केस में तो फिर वो उस ITC 02 आप भरते हैं। ऐसे ही ITC 01 जो है अगर सेक्शन 18(1) में अगर आपकी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाती, सर्विसेज आपका टैक्स टैक्स आ जाता है, पहले एग्जेम्प्टेड था या इस तरह की दशाएं जो सेक्शन 18(1) से 1D में जो वो किया गया है वो आप उस संबंधित डेटा यहाँ पर भर सकते हैं। और इसी प्रकार से टोटल ITC अवेल्ड आप यहाँ आ जाते हैं। अब मैं आ रहा हूँ, जल्दी से मैं आता हूँ अब यहाँ पर टेबल 7 में। अब टेबल 7 में आप देखेंगे कि ये जो पर्टेन करता है डिटेल्स ऑफ ITC रिवर्स्ड एंड इन एलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हेल्प सेक्शन में ये आपको बताया गया है कि ये आपको किस तरह से ये फिगर यहाँ पर भरनी है, तो आप रेफर कर सकते हैं। टेबल जो आपको 7A में रूल 37 के हिसाब से आपको यहाँ पर फिगर देनी है रूल 37 की। रूल 37 रिलेट करता है कि जहां पर आपको रिवर्स करना है ITC, जहां आपको 180 दिन के अंतर्गत अगर आपने कोई सप्लाई की है मगर जो है पेमेंट नहीं उसका उसका आपने नहीं किया 180 दिन के अंदर, तो जो आप रिपोर्ट करते हैं 4B में 3B में टेबल 4B के टेबल 3B में। और इसी प्रकार से 7B रूल 39 के अंतर्गत जो रिवर्सल आपने जो 2017-18 में किया है वो उस जो ये डिपेंड करता है कि ये अगर ISD ने कोई आपको जो क्रेडिट डॉक्यूमेंट दिया है रिवर्सल ऑफ ITC तो आपको रिवर्स करते हैं ISD से रिलेटेड, वो रूल 39 में करेंगे। इसी प्रकार से रूल 42 रिलेट करता है ऐसे रिवर्सल से जो कि आपने ITC ले लिया मगर वो क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल है ऐसे इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड जो कि आपने यूटिलाइज किया एग्जाम सर्विसेज में या फिर नॉन बिजनेस पर्पजेस के लिए, तो ऐसे उसमें आप रूल 42 के अंतर्गत आप इसको रिवर्स करते हैं और इसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। रूल 43 के अंतर्गत जो रिवर्सल है वो आपको ऐसी रिवर्स और इनएलिजिबल ITC के बारे में बताता है जो कि आप कैपिटल गुड्स के केस में अगर आपने कैपिटल गुड्स पे आपने कोई क्रेडिट लिया है मगर वो कैपिटल गुड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुए हैं तो फार्मूला जो 43 में दिया उसके हिसाब से उस पर आप गणना करके आप टैक्स रिवर्स करते हैं, उसका विवरण आपको 7D में देना है। इसी प्रकार से 7E में एज पर सेक्शन 17(5) जो इनएलिजिबल क्रेडिट है वो 17(5) आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए उस टाइम पर यानी कि 31 मार्च 2018 क्योंकि आप 17-18 का भर रहे हैं उस रेलेवेंट पीरियड में 17(5) के जो भी प्रोविजंस थे जो भी इनएलिजिबल था आपको उसमें जो क्रेडिट एलिजिबल नहीं था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप 7E में दे सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपने TRAN 1 या TRAN 2 क्रेडिट आपने रिवर्स किया है तो F या G में 7F और G में आप इसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। H1 बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है 7H, यहाँ आप देखेंगे इसमें अदर रिवर्सल्स क्या वो आपको एंट्री करने को कहता है जो ITC आपने अदर रिवर्स किया जिसके ऊपर अभी यहाँ पर नहीं बताया गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लस का बॉक्स है, प्लस के बॉक्स में आप ये टेबल इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास एक से ज्यादा तरह के जो ऊपर स्पेसिफाई नहीं किए उससे संबंधित टाइप हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो अगर ITC 03 आपने भरा है, अगर आपने ITC रिवर्स किया है ITC 03 के थ्रू, ये जो लागू होता है कि मान लीजिए कि आपने जो ITC 03 आपने अगर भरा है तो फिर ITC 03 की फिगर आप इसमें देंगे, या फिर आपने कोई इस तरह का आपके पास कोई केस है जो गुड्स आपने शॉर्ट रिसीव किए या फिर फ्री गिफ्ट्स आपने दिए और उसके बाद आपने क्रेडिट आपको रिवर्स करना है या सैंपल्स आपने सप्लाई किए तो इस तरह का आप टॉप टाइप वाइज आप इसमें बढ़ा और घटा सकते हैं इस तरह का टेबल। और 7H से लेकर जितने भी टाइप हैं आप इसको उतना ही आप
बढ़ा सकते हैं और इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब आए 7H I पर, टोटल ITC रिवर्स्ड। तो टोटल ITC रिवर्स्ड में जो भी आपने टोटल किया A से लेकर S तक जो फिगर रिपोर्ट किया है वो अपने आप ऑटो टोटल होके आ जाती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसके हिसाब से आपका नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन 6O-7I, ये सिस्टम ऑटो कंप्यूट आपके द्वारा कर देता है। 6O में जो कि टोटल ITC अवेल्ड थी, जो कि 6I से लेकर 6N तक, वो जो आपको 6 में, टेबल 6 में मैंने बताया, ये टोटल ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, इसकी गणना यहाँ पर आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है जो रिकंसिलेशन में आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब मैं आ जाता हूँ टेबल 8 के ऊपर, अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो अब ये अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये हेल्प मेन्यू आपके सामने दिया गया है, और सारे इसको टेबल को किस तरह से भरा जाएगा ये यहाँ पर अवेलेबल है। अब टेबल 8A मैं आपको बता दूं कि ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है GSTR2A, जो कि ऑटो डॉट स्टेटमेंट है आपके इनवर्ट सप्लाईज का, जिसकी टेबल 3 और टेबल 5 से ही ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। आपके रेफरेंस के बता दूं कि टेबल 3 में इनवर्ट सप्लाईज जो कि आप रजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के में जो कवर होती है, टेबल 3 में वो आप GSTR2A में देख सकते हैं, और टेबल 5 में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट अगर इशू हुए हैं तो इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स, वो टेबल 5 में आती है। तो ऐसी सभी ITC जो कि टेबल 3 और 5 में आपको अवेलेबल है, वो सब यहाँ पर सिस्टम द्वारा गणना करके ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। इसको आप एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 2A के हिसाब से आपका डेटा है। और 8B में ITC एज पर सम टोटल ऑफ टेबल नंबर 6B एंड 6H, जो भी आपने जो सिक्स टेबल सिक्स के वक्त आपने जो 6B और 6H में जो सम टोटल लिया था उसका ITC जो अवेलेबल, वो इसमें यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो 8B में आप करेंगे जो, ये भी फिगर आपके सामने ऑटो पॉपुलेट होके आएगी क्योंकि 6B और 6H आपने भरा है। तो फिगर ऑटो पॉपुलेट होगी, मगर ये आप इसको अगर आप चेंज करना चाहें, आपको लगे ठीक नहीं है, तो आपको 6B और 6H से रिलेटेड जो टेबल्स हैं उस पे आपको काम करना होगा। और इसी प्रकार से 8C है ITC ऑन इनवर्ट सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाईज लायबिलिटी रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ। तो अब यहां पर क्या है कि ये ऐसी इनवर्ट सप्लाई से रिलेट करता है जो कि आपने 17-18 में रिसीव तो कर ली ऐसी सारी सर्विसेज और गुड्स, मगर उस पे आपने क्लेम जो लिया है ITC का क्लेम किया है वो आपने किया है 2 अप्रैल 2018 या उसके बाद। देखिए यहाँ पर तो उसकी गणना आप इसमें इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन 8C में आप देंगे। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये अप्रैल से सितंबर को आप पढ़ सकते हैं, अप्रैल 2018 से मार्च 2018, क्योंकि जो डिपार्टमेंट द्वारा जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 2 31 दिसंबर 2018 को इशू किया गया था, उसके अंतर्गत आप 31 मार्च तक का ये इसको क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन के अर्लियर पार्ट में बताया। तो इसको आप रीड कर सकते हैं अप्रैल टू मार्च 2018, और इसको अप्रैल 18 टू मार्च 19 आप इसको रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको आते हैं कि 8D में, 8D में देखिए वही डिफरेंस है कि जो ऑटो पॉपुलेट GSTR2A से आ रहा था और जितना आपने 6B और 6C का जो टोटल है उसका डिफरेंस इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है क्यों, ये आपको इसमें ध्यान देना होगा क्योंकि ये इसके रेमिफिकेशन हो सकते हैं। अच्छा, अब जो है 8E जो है ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ऐसी बहुत सी ITC आपको अवेलेबल हो सकती है मगर आपने हो सकता है उसका क्रेडिट ना लिया हो, और उसके जायज रीजन हो सकते हैं कि आपने ना लिया हो, जैसे मान लीजिए कि आपने बिजनेस पर्पसेस में इस्तेमाल नहीं की, या फिर वो शॉर्ट क्वांटिटी रिसीव थी, या उसका इन्वाइस आपको प्रॉपर नहीं मिला, कोई भी रीजन हो सकता है। तो वो आप ITC अवेलेबल है आपको GSTR2A में शो हो रही है मगर आपने अवेल उसको नहीं किया, उसकी गणना आप 8E में देंगे। इसी प्रकार से 8F में आप देंगे ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल, ऐसी सभी ITC जिसके जो इनएलिजिबल है, जो आपको अवेलेबल है मगर एलिजिबल नहीं है आप उसको लेने के लिए, तो उसकी गणना आप 8F में आप इसको देते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कोई आपने कार जो कार आपने खरीद ली जिस पर एलिजिबल नहीं है, तो आप इस तरह का आपको यहाँ पर शो करना है 17.5 में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो जैसे अब 8G में IGST पेड ऑन पोर्ट्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो भी आपने, और इसमें SEZ की सप्लाई भी आप इंक्लूड करेंगे, जो भी आपने इम्पोर्ट किया है या फिर जो डीम्ड इम्पोर्ट किया है SEZ से जो सप्लाईज आपने ली है उस पर जो IGST आपने पे किया है उसकी आप करना यहाँ पर करेंगे। और साथ में आपने जो बाहर से इम्पोर्ट किया है दूसरे देशों से उसको जो उस पर जो IGST पे किया है उसको भी आप यहाँ पर एच में 8H में आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। 8I में उसका डिफरेंस वो निकाल देगा जी और एच का, यानी कि ऐसा IGST जो कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पर आपने पे किया और आपने जो 6E के हिसाब से ये जो ये 6 8H में जो फिगर आ रही है जो ग्रे है एरिया 6E से आ रही है, अगर कोई डिफरेंस आपने आपके द्वारा है तो यहाँ पर 8I में वो डिफरेंस आपको दिखाई देगा जिस पर आपको देखना होगा, उस पर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। अब ये है 8J ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये जो डिफरेंस है इसके बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ITC आपको अवेलेबल था मगर ऐसे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर मगर आपने नहीं लिया। अब जब ये आप डिटेल्स डाल देंगे सिस्टम उसको कैलकुलेट कर लेगा, तो 8K में ऐसी टोटल ITC जो कि लैप्स होनी है उस करंट और फाइनेंशियल के लिए वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए रजिस्टर 9 में देखने का ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकली लैप्सिंग वाला उसका शुरू हो जाएगा, मगर ये आपको इंडिकेटिव है कि ये लैप्स इतनी फिगर होनी चाहिए। अब ये वापिस मैं आता हूँ डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड से फिर मैं अब आता हूँ टेबल 9 के ऊपर। टेबल 9 है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर देखिए आप ये देख सकते हैं कि टैक्स पेड थ्रू कैश और टैक्स पेड थ्रू ITC ये फिगर इसमें सारी डिसेबल है, और इसमें जो मेरे द्वारा जो भी डेटा इसमें भरा जाएगा वो इसमें दिखाई देगा जो GSTR 3B में हमने जो अपनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करके उसके यूटिलाइजेशन इस्तेमाल किया कैश और ITC के थ्रू वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे किनारे है टैक्स पेबल का डेटा आप खुद एंटर कर सकते हैं अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी उस फाइनेंशियल ईयर की आ रही है तो आप इसमें डेटा एंटर इसमें कर सकते हैं। इसी इसी प्रकार से देखिए ये जो टैक्स पेबल है इसमें आप गणना कर सकते हैं कि जो भी आपके आउटवर्ड या इनवर्ड सप्लाई या फिर जिस पर आपको टैक्स देना था वो आप गणना करके यहाँ पर टेबल 9 के अंतर्गत आप डिक्लेयर कर सकते हैं और जो आपका डेटा है रिकंसिलेशन के बाद। अब वापस आते हैं टेबल 9 के बाद, अब टेबल 10 11 12 और 13, 10 11 12 और 13 में वो ऐसी डिटेल्स हमें देनी है जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करती है, यानी कि 17-18 जुलाई 17 से मार्च 18 तक ट्रांजेक्शन रिलेट करती है मगर जिसको हमने रिपोर्ट किया है 18-19 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसमें भी देखिए हेल्प मेन्यू में ये सारे सुविधा उपलब्ध है आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्म भरने के लिए। टेबल 10 में आप ऐसी सभी सप्लाईज डिक्लेयर करते हैं जिसमें कि आपने अमेंडमेंट किया है और उसको कंसीडर करते हैं, जितने भी आपने डेबिट नोट इशू किए हैं तो वो सब यहाँ पर इसमें आप डिक्लेयर करते हैं टेबल 10 में। और इसी के साथ टेबल 11 में अगर कोई आपने सब्सिक्वेंट मतलब सब्सिक्वेंट पीरियड यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐसी कोई सप्लाई रिपोर्ट की है जो पर्टेन करती है 17-18 से रिलेट करती है मगर आपने जो रिड्यूस किया है वो टैक्स और सप्लाईज अमेंडमेंट के द्वारा क्रेडिट नोट इसमें आप देख लेंगे नेट ऑफ क्रेडिट नोट तो वो आप यहाँ पर एंट्री करते हैं। टेबल 12 रिवर्सल ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देखिए जो जो टेबल 12 है वो डिपेंड करता है कि कौन सी आपने रिवर्सल आपने कितना आप जो आपने ITC अवेल की थी पिछले फाइनेंशियल ईयर की वो 18-19 में जाकर आपने कितना रिवर्सल उसका किया है उसकी फिगर आपको यहाँ पर देनी है। और जो ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस कोई आपकी मिस्ड ITC थी कोई क्लेम आपका मिस हो गया था जो कि 17-18 का जो आपने 18-19 में लिया वो टेबल 13 में आप डिक्लेयर करेंगे। इससे आपका वो टर्नओवर निकलेगा जो नेट ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट या अमेंडमेंट से
या ITC या वेल्ड, और वो ऐसा निकलेगा कि आप इसमें देख पाएंगे कि जो ऐसा टर्नओवर जो 1780 से रिलेट करता था, मगर जो आपने 1819 में डिक्लेयर किया है, वो यहाँ पर इससे टोटल यहाँ पर सिस्टम कैलकुलेट उसको कर देगा आपके द्वारा जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से। अब ये टेबल 14 रिलेट करती है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 और 11। देखिए यहाँ पर टेब 10 और 11 में फिर आ रहा हूं, जो भी आपने सप्लाई ये टैक्स आपने डिक्लेयर किया था अमेंडमेंट के द्वारा, और या फिर आपने इनवाइस अमेंड किया, या फिर डेबिट नोट दिया, या फिर क्रेडिट नोट दिया, इनवाइस रिड्यूस किया, तो 10 और 11 में जो भी सप्लाई आपने की जो पर्टेन करती थी 17-18 से, मगर आपने वो अमेंडमेंट किया, रिडक्शन किया, वो आपने किया 18-19 में, तो वो उसका वो जो है आपको उसकी डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी आपको टेबल 14 में यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। क्योंकि ये जो है पेड, क्योंकि ये फिगर पोर्टल के पास वो नहीं लिया है, यहाँ पर आपको खुद ही पेबल और पेड दोनों फिगर आपको इसमें एंट्री करनी है। इसमें भी हेल्प मेन्यू में इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि सारे मेन्यूज में इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें भी दिए हुए, आपको खुद एंटर करना है। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये भी, ये है पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड्स। देखिए इसमें क्या है कि हमें पहले जो चार कॉलम है 15A से लेकर D तक, वो रिलेट करता है कितना हमने रिफंड क्लेम किया, उसमें टैक्स अमाउंट क्या थी, टोटल कितना रिफंड सेंक्शन हुआ, कितना रिफंड रिजेक्ट हुआ, और कितना रिफंड पेंडिंग है। 31 मार्च 2018 को ये हमें कट ऑफ डेट इसमें लेनी है एज ऑन 31 मार्च 2018, और इसी उसके स्टेटस यहाँ पर देना है। और इसी प्रकार से अगर मेरे खिलाफ कोई डिमांड है, उसमें से कुछ पैसा मैं पे कर चुका हूँ, और उसमें से कितना फिर मेरा पेमेंट करने के बाद कितना आउटस्टैंडिंग डिमांड है, वो मुझे रिस्पेक्टिवली टेबल 15 के E, F और G में रिपोर्ट करना है। इसके लिए भी कट ऑफ डेट 31 मार्च 2018 है। साथ में ये जो रिफंड और डिमांड की बात कर रहा हूँ, ये GST से रिलेटेड होने चाहिए, अदर देन GST यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करने हैं। अब जो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो इसके बाद जो टेबल 16 है, 16 में मुझे देना है ऐसी फिगर जो कंपोजिशन टैक्स पेयर से मैंने रिसीव किया, उसके मुझे इंफॉर्मेशन देनी है। कंपोजिशन टैक्स पेयर से जो डिटेल्स मैंने सप्लाई डिटेल्स रिसीव की, उसके अलावा जो मुझे उसके उसमें देना है डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई के लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 143 की, जिसमें यह है कि अगर ए आपने कोई सप्लाई किया जॉब वर्कर को, और एक साल के अंदर वो अगर जो है वो इनपुट्स नहीं लौट के आए आपके पास, तो फिर आप वो डीम्ड सप्लाई मान के जो प्रिंसिपल है उसको उसको टैक्स डीम्ड दे देना है। तो ऐसा सभी जो सप्लाई है मैं डिक्लेयर करूंगा टेबल 8 डी में, और टेबल 16 डी में, और 16C में मेरे पास है जो इस ये टेबल जरा खुल जाए तो 16C बताइए 16C। ये मैं फिर वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आ जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि रिलेवेंट टेबल आपके सामने खोल देता हूं। देखिए मैंने आपको जो अप्रूवल बेसिस पर आपने गुड्स भेजे हैं, अगर वो वापस नहीं आए, तो इस प्रकार के अप्रूवल बेसिस पर आपको 16C में, टेबल 16C में आपको डिक्लेयर करना है। देखिए जब आप उसके बाद टेबल 17 जो रिलेट करती है, टेबल 17 मैं आपको ये दिखा दूं, टेबल 17 है एसेशन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि ऐसी आउटवर्ड सप्लाई आप जो भी आपने की है उसके एसेशन वाइज समरी आपको देनी है। या और यहाँ पर एक टूल अवेलेबल है सर्च टूल, सर्च टूल में जाकर आप ये देख सकते हैं कि ये आप कोई भी एचएसएन एंटर करते हैं उससे संबंधित डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है, जो मैचिंग डिस्क्रिप्शन आप देंगे, और उसके बाद आप इसमें एचएसएन कोड डालने के बाद यूनिट क्वांटिटी कोड,
उसका डिस्क्रिप्शन उसमें ऑटो पॉपुलेट होकर जो आप सेलेक्ट करते हैं वो आ जाता है, उसकी क्वांटिटी देते हैं, टैक्सेबल वैल्यू देते हैं। अगर कोई सप्लाई एप्लीकेबल है कंसिडरिंग रेट ऑफ टैक्स के, तो उसका वो टिक करने के बाद उसका टैक्स अमाउंट आप डालते हैं। इसी प्रकार से एक से ज्यादा अगर लाइन आइटम है तो आप ऐड करते हैं, इसको ऐड का बटन दबा के इसको चले जाते हैं। तो टेबल 17 में आप HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आप देते हैं। इसी प्रकार से टेबल 18 जो फॉर्म रजिस्टर 9 की है उसमें HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई आप रिपोर्ट करते हैं। यहां मैं बता दूं कि ये टेबल 17 और 18 अगर 1.5 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है तो फिर आपके लिए ऑप्शन है, आपको आप चाहें तो उसको ना भी नहीं भी भर सकते। तो ये हमने देखा टेबल 18 तक का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ टेबल 18 में जब आप डेटा एंटर कर लेंगे तो फिर ये टेबल 19 अब आप देखेंगे कि यहाँ फिर अब आप प्रीव्यू कर सकते हैं। ड्राफ्ट प्रीव्यू का बटन है आपके सामने, आप रजिस्टर 9 को ड्राफ्ट प्रीव्यू कर सकते हैं एक्सेल के साथ भी, और इसको बैक टू क्वेश्चन आप कभी भी इसमें बैक भी आ सकते हैं। आप ये ड्राफ्ट आपने ये देख लिया, प्रीव्यू आपने देख लिया और आप इससे संतुष्ट हैं तो फिर, और एक्सेल की भी यूटिलिटीज में दी हुई है, जब आप इसको क्लिक करते हैं एक्सेल को तो एक नीचे लिंक आपके सामने उपलब्ध हो जाता है। लिंक को आप क्लिक करने पर आप एक्सेल की फाइल आपको मिल जाती है डाउनलोड के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब आपने अब आपका स्टेटस जब आपने 1 to 18 आपने वो कर लिया तो रेडी टू फाइल स्टेटस आपके सामने ऊपर ये आ जाता है। रेडी टू फाइल के बाद अब आप इसमें अब आप नीचे एक जो टेबल है कि कंप्यूट लायबिलिटी पर आप क्लिक करते हैं। कंप्यूट लायबिलिटी जब तक रेडी टू फाइल नहीं होता तब तक कंप्यूट लायबिलिटी ग्रे होता है, और आप जब आप इसको क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने टेबल 19 आपके सामने खुल जाती है। टेबल 19 में अगर आप लेट फी के टेबल 19 आप क्लिक करते हैं अगर आप, तो लेट फी अगर जो भी इसमें पेबल होती है अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो वो आपके सामने आ जाती है। यहाँ जब आपके सामने टेबल खुलती है जो लेट फी, फिर जिस तरह से आप GSTR 3B में अगर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड होता है तो आप चालान क्रिएट करके आप उसको पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब लेट फी अगर इस दशा में कि लेट फी पे है आप ये कर देते हैं, उसके बाद आप इसको टिक करते हैं डिक्लेरेशन बॉक्स को और सिलेक्ट करते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी, तो फिर आप GSTR 9 आप फाइल कर सकते हैं। ये है कंफर्मेशन स्क्रीन आफ्टर फाइलिंग, ये आपका GSTR 9 आपके सामने मैसेज आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आ जाता है और GSTR 9 आप व्यू कर सकते हैं अपने टैक्स पर डैशबोर्ड पर रिटर्न्स के साथ, और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट पर भी। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो अगर कोई इस तरह का मैसेज आए कि अकाउंट अंडर प्रोसेसिंग है या प्रोसेसिंग विद एरर है तो उस केस में आपको वेट करना होगा जिससे कि प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, और जब या एरर है तो आपको फॉर्म GSTR 9 में जाकर उसमें एक्शन लेकर फिर उसको ठीक करना होगा अगर प्रोसेस्ड विद एरर आ रहा है। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन जिसमें कि हमने डिस्कस किया लाइव डेमो के माध्यम से कि फॉर्म GSTR 9 किस तरह से फाइल करना है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। देखिए ये हम लोग इस तरह के वेबिनार्स गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क द्वारा आयोजित किए जाते हैं और आज तक अभी तक लगभग काफी सारे जो लगभग 100 से ऊपर हम वेबिनार्स टीम GSTN द्वारा आयोजित किए गए हैं, जिसको कि YouTube चैनल है हमारा गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क का, वो बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस नई फंक्शनलिटी से रिलेटेड वीडियोस और जो वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग है वो आपके अवेलेबल है। आप YouTube पे सर्च करिए हमारा गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क का YouTube चैनल, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके साथ ही ये बेल आइकन आप दबाएंगे तो आप लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पाएंगे, जो भी नए वीडियोज जैसे अपलोड होगा आपके सामने ये आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स, फेसबुक पर आप हम हैं GST सिस्टम्स इंडिया के नाम से, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पा सकते हैं लेटेस्ट वीडियोस, वेबिनार रिकॉर्डिंग्स और शॉर्ट वीडियोस, और ट्विटर पर अगर कोई GST पोर्टल से रिलेटेड कोई आपका प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आज GSTech हमारा हैंडल है गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क का, आज GSTech आप उससे हमसे जुड़े रह सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, ट्रबल शूटिंग टिप्स और लेटेस्ट वेबिनार्स के लिए। थैंक यू। तो इसके साथ ही मैं आप सभी दर्शकों का जिन्होंने इतना समय दिया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत
यूजफुल रही होगी इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री प्रकाश कुमार सीईओ जीएसटीएन, श्री मिसेस काजल सिंह ईवीपी सर्विसेज, और श्री राजीव अग्रवाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आउटरीच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो जो इनके द्वारा दी गई प्रेरणा, मार्गदर्शन और सपोर्ट के लिए जिनके माध्यम से सब संभव हो पाया आप तक पहुंच पाना, और श्री वीर सिंह जी, श्री जगमाल सिंह और श्री इकेश नागपाल, जिन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव इस प्रेजेंटेशन के प्रिपरेशन के दौरान मुझे दिए, जिसकी वजह से ये सार्थक प्रयास मैं कर पाया हूँ। और टीम जीएसटीएन में आउटरीच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में जो जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करने में मदद की, मिस्टर सथेश्वरन, मिस नीरा, मिस रेखा, मिस्टर मुनीश शर्मा, और सर्विसेज और टेक्नोलॉजी टीम जीएसटीएन की मैं सबका आभारी हूँ इस प्रोग्राम के लिए। और साथ ही मैं एनईजीडी यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के मिस्टर शेलो राव जीएम कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी टीम मिस्टर भूमिका सूरी, मिस्टर विमल शर्मा एंड मिस्टर फिरोज का मैं सब आप इनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने ये वंडरफुल प्लेटफॉर्म दिया आप तक पहुँचने के लिए। तो आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ रही है हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। आप टीम जीएसटीएन की तरफ से मैं पंकज रोड़ा आपका धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Yeah, women. No, please.